संसार सिंधु तरणी हृदय यदि सार संकीर्तनमृत रसे रमते मनुष्ये प्रेमां बुधौ विहरणी यदि चित्त वीति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए जे अनंत देव नित्यानंद बलराम अनंत देव का स्वाद संपर्क को बिना जुड़े कभी भी जीवों का जिंदगी में अभाव नहीं मिटता, नंगापन नहीं समाप्त होता। अनंत देव का स्वाद संबंध किए बिना जीवों का अनंत काल से जो अभाव नंगापन, ये अभाव ये नंगापन का समाप्ति कभी नहीं हो सकता, नेवर। लेकिन अनंत का साथ बद्ध जीव क्षुद्र जीव जिसको जीवात्मा बोला जाता है, ये सब अनंत जीवात्मा एक एक रूप पकड़ के अनंत काल से घूम रहे हैं, अनंत काल से फॉर इन्फिनिटी पीरियड चक्कर लगा रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में। ये जो भ्रमण है जीवों का, चक्कर काटना, ये भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। शंकराचार्य जी जब भी मायावाद सिद्धांतों का स्थापना किए, लेकिन शंकराचार्य जी का जो लेखनी है, अंतिम सिद्धांत है, वो सब भक्त लोग विचार करे तो हैरान हो जाए कि महाराज इसमें भक्ति छोड़कर कुछ है ही नहीं। मायावाद सिद्धांतों का मतलब है भगवान का स्वरूप को नहीं मानना, गुरु वैष्णवों का जो नित्य स्वरूप है उसको इग्नोर करना, टू उसको नहीं मानना। ऐसे ही मायावाद सिद्धांतों में ये विचार आता है कि ये दुनिया जो है, ये जो दिखाई पड़ता दृश्यमान जगत जो है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, फांका कुछ नहीं है। परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर इनके जो नित्य स्वरूप है, ये स्वरूप को वो लोग मानते नहीं। बोले ब्रह्म माया में फंसकर, ब्रह्म वस्तु माया में फंसकर अब ऐसा प्रपंच का जो जीव सब है, ये सब कष्ट भोग रहा है, कभी दुख कभी सुख, ये नित्य कुछ नहीं है, ये मायावाद सिद्धांत है। लेकिन वास्तविक विचार शंकराचार्य जी ने स्थापन किए, बार बार शंकराचार्य जी का ये सब विचार श्रवण करे तो भक्ति छोड़कर कुछ नहीं मिल सकता। ऐसे कैसे संभव है जे शंकराचार्य जी गुप्त रूप में भक्ति का ही भाव को स्थापन किए, बट दे कुड नॉट रियलाइज इट, वो लोग ये सब समझ में नहीं आया। वो लोग पद्म पुराण में ऐसे है, असुर लोगों को वंचित करने के लिए भगवान शंकर को भेजा गया, भगवान परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान को भेजे, शंकर साक्षात शंकर, जो शंकराचार्य जो है शंकर छोड़ के कुछ नहीं, शंकर ही है। और शंकर को आदेश किया, देखो जो असुर लोग है असुरों को भक्ति नहीं देना। ये बात दो दिन पहले भी एक सभा में मैं चर्चा कर रहा था, महाराज असुर को अमृत पिलाओ तो क्या करे, अमृत तो लेगा नहीं, अमृत पिलाने का कोशिश करो तो पिएगा नहीं,
पिएगा नहीं, और पिएगा भी उसका लिए कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अपराधी है। बोले वही पित्वा खीरम बमति गरलम दुस्सहतरम। सांप जो है, सांप जानते हो, वही वही पित्वा खीरम, सांप क्या करता है, वो जितना अमृत पिलाओ उसको, खूब दूध पिलाओ, खूब केला खिलाओ, खूब खिलाओ, खाएगा। लेकिन व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट, उसमें अल्टीमेट क्या रिजल्ट आएगा, वो तो पिएगा खीर लेकिन बमन करेगा विष। इसे शास्त्रकारों ने बताया, देखो वही पित्वा खीरम बमति गरलम दुस्सहतरम, मार डालेगा, ऐसा ही नियम है। ठाकुर जी का कोई कसूर नहीं है, तमाम दुनिया में जितना अनंत जीव राशि है सबके लिए ठाकुर जी का अंतर में प्रीति है, प्रेम है, प्यार है, सब कोई एक नजर से। लेकिन वो अपना अपना तकदीर है, तकदीर का खेल है, घूम रहा है, कष्ट मिल रहा है। ठाकुर जी ने किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को, सब अपना अपना कर्म फल को भुगत रहे। वेदों में भी ये विचार है, अवश्यमेव भक्त्यव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जो शुभाशुभ कर्मों तुम करोगे उसी का जो फल है वो तुमको ही भोगना पड़ेगा। जो कुछ भी तुम्हारा जिंदगी हो रहा है वो ठाकुर जी उसका लिए जिम्मेदारी नहीं, वो सब अपना अपना किए हुए कर्म का फल भोगत रहा है। ठाकुर जी को दोष मत दो। गीता में भगवान सुंदर बताया, नादत्य कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुझ्यन्ति जन्तवः। बोले ठाकुर जी किसी को कुछ मुसीबत में नहीं डालता। गौरांग महाप्रभु को देखना, नित्यानंद को देखना, ऐसा करके हाथ पकड़े, आ जा मेरा पास, मेरा पास आ, नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, जा। नित्यानंद ऐसा करके बैठा हुआ, हमारा पास आ, सब जीव मेरा मेरा प्यारा है, सब आ जा, कोई आएगा नहीं, सब दूसरा जगह जाएगा। इसीलिए गीता में ठाकुर जी एकदम क्लियरली बता दिया, देखो हमारा कोई कसूर नहीं, नादत्य कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम। पाप भी ठाकुर जी लेने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा पुण्य कर्म वो तुम रखो तुम्हारा पास। ये सब व्याख्या हम कर चुके हैं बहुत बार, दिमाग में घुसना बहुत मुश्किल है, बहुत भजन करो तो आएगा, नहीं तो घूमते रहो। भले महाराज पाप कर्म से पूर्ण पुण्य कर्म और डेंजरस है, भले ये कैसा बात महाराज करे, हाँ प्रामाणिक बात, पाप कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, पाप कर्म करो तो नरक में जाके उधर बहुत ट्रीटमेंट मिले, बहुत पनिशमेंट, यहाँ तो जेल खाने में बहुत सारी जगह होता ही है, उसके बाद सौरी चरण के बाद बहुत पनिशमेंट। अगर वो पनिशमेंट का समय में जब शास्ति मिल रहा है तब आपका हृदय से निकल गया, महाराज बस करो और हो गया, आप नहीं करेंगे, आप खूब हो चुका, अब नहीं करेंगे, वादा किया आप नहीं करेंगे खराब काम, तब तो मन में थोड़ा चेंज होने का चांस है। लेकिन अगर पुण्य कर्म विस्तार करोगे भक्ति के बिना, पुण्य कर्म जो है नरोत्तम ठाकुर जी ने साफा बता दिया, पुण्य से सुखेर धाम नालोय तार नाम। पुण्य जो है नरोत्तम ठाकुर जी का पार्षद है, पार्षद अपना निजी जन है। भले पुण्य से सुखेर धाम, ये पुण्य के द्वारा तुमको स्वर्ग में भेजा जाएगा, दान पुण्य करोगे कुछ करोगे बिना मतलब, ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब दान पुण्य कर रहे हैं उसका मतलब आपका जो भावना है बहुत डेंजरस, उसमें क्या होगा, स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में जाओगे कितना दिन रहोगे,
हमारा पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्ग में स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में जाके कितना दिन रहोगे, हाउ लॉन्ग? भले फाइव स्टार होटल में जाओ, होटल ताज बेंगल आदि सब जाओ, और जितना दिन तक अपना जेब में पैसा रहेगा मोटी सी रकम, और कार्ड रहे तो बोले कार्ड पंचिंग करके दे देंगे, कोई बात नहीं आजकल का। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो धक्के मार के निकाल देंगे, जा भाग, पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। और गीता में भगवान साफा बता दिया, देखो खीने पुण्य मत्तलोकं विशन्ति, जब तुमको स्वर्ग में भेजा जाएगा पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग में जाओगे, लेकिन उसका बात क्या हो, पुण्य कर्मों का जो फल जो है वो अगर समाप्त तो हो जाए, धक्के लगा कर ये फिर धरती में गिरोगे। अब धरती में गिरोगे, पुण्य कर्म किया है तो अच्छा जगह घर में जन्म होगा, तो कोई धनी व्यक्ति का घर में, करोड़ोपति का घर में, उसमें तुम्हारा जो आदत बन जाएगा एसी डीसी में रहने का, घूमने फिरने का, उसमें तो कष्ट सहन नहीं होगा, मुश्किल है, उसमें और ज्यादा पनिशमेंट है। अगर पैसा खत्म हो गया तो और डेंजरस है। धनी लोग को हम गिरते देखा, आंखों का सामने गिरते देखा, धोनी लोगों को गिरते देखा, और गिरने का बाद महाराज मत पूछो क्या हालत है। एक गरीब आदमी वो कुछ कुछ भी हालत से अपना गुजारा कर लेते, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक धोनी आदमी का पतन होए तो उसका जो हालत होता है वो रोना जाएगा, वो तो सहन नहीं होगा, क्योंकि ही इज नॉट हैबिचुएटेड, वो अभ्यास नहीं है वो कष्ट करने का, उसका और डेंजरस है। और पुण्य कर्म करने के बाद तुम्हारा दिल में ये पैदा नहीं होगा, क्योंकि सुख भोग रहे बहुत सारे सुविधा है। एक आदमी कह रहे हैं महाराज इसी जिंदगी में भगवत प्राप्ति का व्यवस्था कर दो, हम बोला हम थोड़ी जादू जानता है कि तुमको भगवत प्राप्ति करने का व्यवस्था कर दे, विषय से छुटकारा लेने का कोई विचार ही नहीं है, नो पॉइंट। तुम भगवत भजन करने के लिए आए हो, विषय से छुटकारा लेने का कोई विचार ही किसी का दिल में नहीं है। आ ठीक है विषय अगर है, लेकिन विषय टच नहीं करता, ये संभव है किसी का दिल में? बोलो, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, सब परीक्षित महाराज, तमाम दुनिया का अधीश्वर है अम्बरीश महाराज, सप्तदीप अधिपति, सातों दीप का अधिपति है, लेकिन उसका दिल में क्या होता है, जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, इतना सारे वैभव है, इतना कुछ है, लेकिन अपना दिल स्पर्श नहीं होता है। ठाकुर जी दिया है तो ठीक है। गीता प्रेस का जयदयाल गोयनका जी जो है, इनका जिंदगी देखना, करोड़ों करोड़ रुपया का मालिक, वो गीता प्रेस का स्थापन की, लेकिन भिखारी का मां भी रहते हैं, एक कुर्ता एक धोती मोटा, कुछ कोई पता नहीं चलेगा कि इतना ऊंचा व्यक्ति है। ठाकुर जी का भजन में इतना आगे बढ़ा, लेकिन कौन समझे, श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर बाहरी दृष्टि में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, अंतर में अनर्गल भक्ति, अरे बाप रे। कोई भी टाइम ऐसा खाली नहीं जाता जिसमें ठाकुर जी का सेवा बिना रह गया। ऑफिस में आधा घंटा टाइम मिला जलपानी के लिए, उसी टाइम में बैठ के कीर्तन लिखा। जितना सारे गौड़ियों समाज का जो ट्रेजर है, प्रॉपर्टी है, वाणी वैभव है, जितना सारे वाणी वैभव है, प्रॉपर्टी, तुम्हारा प्रॉपर्टी तो रुपया पैसा सोने चांदी, हमारा प्रॉपर्टी वाणी वैभव, हमारा और कुछ नहीं है, ये संपत्ति हमको गुरु जी दिया है, बस ये हो जाएगा काम। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के जिंदगी में एक भी समय ऐसा नहीं कि खाली गया, सेवा के बिना गया, हर वक्त सेवा। जो भी है, जो बात प्रस्तुत कर रहा था उससे थोड़ा इधर उधर गया बात, विचार करते करते
नादत्त कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुझ्यन्ति जन्तवः। विभु परम चेतनमय जो चैतन्य वस्तु भगवान परात्पर अखिलेश्वर, तुम्हारा पाप और पुण्य लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तुम अपना पास रखो। कंप्यूटर में जैसे मेमोरी में फेडअप हो जाता ना, जानते हो, कुछ काम करो तो तुरंत मेमोरी को मेमोरी में सेव करो, और सेव नहीं किया तो गया, कभी कुछ हो गया तो घर पर पूरा गया। अब यहां जो है वो ऑटोमेटिक सेविंग होते जा रहा है, तुम जो खराब कर्म, तुम जो बुरे कर्म कर रहे हो, अच्छा जो कुछ भी है, इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर, तुम्हारा हृदय में ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग होते जा रहा है और उसी का मुताबिक फल मिलेगा, किसी का जिम्मेदारी नहीं है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनो मुझ्यन्ति जन्तव, केनो मुझ्यन्ति जन्तव, क्या कारण है जो जीव लोग सब इतना सारे जीव मोहित हो जाता है, क्या कारण है? भले कुछ कारण नहीं है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनो मुझ्यन्ति जन्तव, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ये जड़ जगत का कोई कोई मैजिशियन पीसी सरकार, हम जो बचपन में छोटे, भले बॉम्बे मेल को हवा कर दिया, वो उधर अखबार में आया था, वो लाइन में खड़ा होकर दिखा रहा है मैजिक, सब उतर के मैजिक दिख रहा है। अब वो ट्रैक से बॉम्बे मेल है, उसका यात्री सब है, सब उतारा, आज बाद में देखा बॉम्बे मेल नहीं है, अरे ट्रेन कहाँ गया, चला गया। तो एक जड़ जगत का मैजिशियन का अगर इतना पावर है, तो ठाकुर जी का माया जो है उसका पावर कितना है, अब सोचो, ठाकुर जी का जो माया है उसका पोटेंशियल कितना है, इतना पावर क्या है, ये समझ लो और दिमाग खराब नहीं होगा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुझ्यन्ति जन्तवः। और शंकराचार्य जी सारे जीवों के लिए सुंदर एकदम अमृतमय वार्ता छोड़ के गया, छोड़ के गया ना सुंदर, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदन भजो मोरमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिय करने। गोविंद का भजन करो, क्या कर रहे हो, गोविंद का भजन करो, बस गोविंद का भजन करने से सारी सुविधा हो जाएगा। भजो गोविंदम भजो गोविंद मूढ़ मदे हे मूर्ख, भजन करो। और तुम अगर सोचा कि हम संस्कृत व्याकरण पाठ कर लेंगे, बस व्याकरण के द्वारा हमारा हो जाएगा मुक्ति, अरे बोले ना, व्याकरण के द्वारा कुछ नहीं होले बारा। संग प्राप्ते सन्निहित काले, जब मौत आ जाएगा तुमको व्याकरण नहीं रक्षा करेगा, संस्कृत ग्रामर नॉट गोइंग टू सेव यू, योर बैंक बैलेंस नॉट गोइंग टू सेव यू, बी इंटेलिजेंट, थोड़ा बुद्धि लाओ दिमाग में। हमको बहुत आदमी बोलते हैं महाराज इसी जिंदगी में भगवत प्राप्ति के व्यवस्था का, हम बोले भगवत प्राप्ति के, हम क्या जादू टोना करें, तुम आओ ये बात को सुनो, अपना जिंदगी में ग्रहण करो तो देखोगे हो जाएगा, नहीं तो कैसे होगा, होगा नहीं। साधो वस्तु साजन बिना केहू नहीं पाए, लिखा हुआ है, जो साधो वस्तु है बिना साधन तुम प्राप्त कर लोगे ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सके, संभव नहीं कदापि। महाराज अब तो प्रश्न आता है कि आपने पहले ही कथा खोलने का टाइम में बोल दिया कि अनंत भगवान का साथ संबंध जोड़े बिना अनंत काल का नंगापन समाप्त नहीं होगा, लेकिन हम कैसे अनंत देव का साथ बलदाव जी महाराज का संबंध जोड़े। अनंत मतलब क्या है, जो मैथमेटिक्स किया है वो जानते होंगे, अनंत मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, अनंत। ये अनंत का साथ ये जो क्षुद्र जीव है वो कैसे संबंध बना पाए, इज इट पॉसिबल, क्षुद्र जीव है वो, देखा नहीं बात। बालग्रो शतभागस्व शतघा शतधा कल्पित,
हेयर आई ये चूल है, बाल है, बाल के जो ट्रिप्स है एकदम, उसका 100 भाग करो, 100 भाग करने का बाद फिर एक एक भाग, एक एक हिस्सा ले लो, उसको अबर 100 भाग करो। समझा मेरा बात? गेट माय पॉइंट? बाल का जो टिप्स है वो देखा नहीं जाता आंखों में, उसका 100 भाग का 100 टुकड़ा करो, और वो जो 100 हिस्सा हो गया उनमें से एक हिस्सा को लोगो, स्टिल अगेन यू डिवाइड इन 100 पार्ट्स, उसको फिर 1000 100 भाग करो। अब उसका आएगा क्या? बालग्रो शतभागस्व शतधा कल्पित सच। हमारा हैरान की बात है। अब ऐसा ही है जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा आपका अंदर में है, तो बोलते हैं हम वही घर का बहू हूँ, बोलते हैं मैं ये फलाना फैक्ट्री का मालिक हूँ, ये सब जो बोल रहे हैं ना, वो जीवात्मा का खातिर। इफ जीवात्मा इज नॉट देयर, नो मीनिंग, यू कैन नॉट से एनीथिंग। जीवात्मा अगर निकल गया कैसे निकालोगे? जवान नहीं निकालेगा, कैसे बोलोगे हम वहां का हूं यहां का हूं, मेरा फलाना डिग्री है, ये है वो है, कुछ नहीं होगा। तो वो जो जीवात्मा है जो हाथी का अंदर प्रवेश करके इतना पावर दिखाता है, और शेर का अंदर प्रवेश करके इतना ताकत दिखाता है, वो तुम्हारा अंदर में प्रविष्ट होकर वो कुछ दिखा रहा है, खेल कूद कुछ खेला दिखा रहा है, उसी में सब मस्त हो गया। वही छोटा सा जीवात्मा जिसको, जिसका बारे में वेदांतों में सुंदर बताया कि महाराज जीवात्मा देखने में कैसा है। हम तो सोचे देखने का इच्छा, तुमको देखने का इच्छा हो रहा है तो भजन करना पड़ेगा। तुमको अगर देखने का इच्छा, जीवात्मा का रहस्य जानना है, इफ यू वांट टू नो द मिस्ट्री, अब जीवात्मा जन्म मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो कि जीवात्मा कहां से कहां जाता है, क्या होता है महाराज, तो आपको आना पड़ेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अक्सर कहते थे, इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड, देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉइसेस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज्ड सोल। श्री सरस्वती ठाकुर कहते थे, तुमको अगर अपराकृत जगत में जाना है, अपराकृत ज्ञान को प्राप्त करना है, तो दुनियादारी का जितना सारे एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर है, एजुकेशनल एडवाइजर है, बिजनेस एडवाइजर है, इकोनॉमिकल एडवाइजर है, डोंट गो देयर। बहुत सारे एडवाइजर मिलेगा, महाराज आप पैसा LIC में रखियो, पैसा इधर लगा दो, आधा पैसा इधर लगाओ, 25% इधर लगाओ, उधर देखो आपका कितना इनकम बढ़ेगा। पैसा उधर क्यों खमा खा लेगा, वो कुछ नहीं है बैंक में, 7% है, हमको पता नहीं, हमारा अकाउंट भी नहीं है, हम जानते नहीं कितना देते। तो ये जब तो बुद्धि देने वाला है महाराज, आप एक काम करो, आप इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ो, इकोनॉमिक्स का बाजार बहुत अच्छा है, आपको नौकरी मिलेगा, ये सब एडवाइजर है। लेकिन अगर वास्तव ज्ञान को प्राप्ति करना है, जो ज्ञान का कोई विनाश नहीं है, जो ज्ञान संत महात्मा का हृदय से उत्थित होकर जवान से निकल रहा है, वो जो ज्ञान है वो किसी को अगर मिले तो ज्ञान अनंत काल का इतिहास पे नाशवान नहीं है, वो ज्ञान रहेगा। अगर अपराध ना करे, कुछ ना करे, तो वो तो रहेगा, पाप का कोई बात नहीं, नाशवान नहीं है। जो विद्वा जीवात्मा का साथ अनंत काल रह जाएगा, तुम मरमिट जाओ, कुछ ज्ञान मरमिट नहीं जाएगा, ये ज्ञान जो है मिटेगा नहीं। ये जो ज्ञान है ये है दिव्य ज्ञान, यह अपराकृत ज्ञान, ये अपराकृत जगत का जो विषय है वो ठाकुर जी का जो कृपा है, ये संत महात्मा के द्वारा ही
हमको मिलने वाला, हम कोई डायरेक्ट ठाकुर जी का पास जाए तो मिलने वाला नहीं, कभी मिलेगा नहीं। तो अगर ठाकुर जी का पास जाना है और प्राकृत जगत का ज्ञान प्राप्ति करना है तो दुनियादारी का जो विषय है ये सब छोड़ना पड़ेगा, एक साथ नहीं हो, रवि रजनी नहीं मिले एक ठाम, रवि और रजनी एक साथ मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। अपराकी जगत का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ही ये प्रपंच में, जगत में ठाकुर जी गुरु वैष्णव को भेज दिया, जो वास्तव वैष्णव है। साधु का भेष बनाया रावण का माफी, ऐसा बात हम नहीं कर, हमारा बात जो है सब स्टैंडर्ड है। जब किसी ने उल्टा किया महाराज, वो महाराज जैसा कि हमको मत सुनाओ, हम बोला क्या बोला, वास्तव साधु ये बात हम बोला। तो ये जो है अपरागित जगत से पधारे हुए जो संत महात्मा है, इनका चरण में, इनके चरण में जब हम शरणावती हमारा सिद्ध हो जाए तब कोई समस्या नहीं होगा, अब हो जाएगा सारे समाधान धीरे धीरे। तो अनंत देव का साथ क्षुद्र जीव, ये जो इतना क्षुद्र जीव है, वेदांतों में बोला जीवात्मा देख, जीवात्मा को अगर देखे आत्मा देखने में कैसा है, तो वेदांतों में थोड़ा इंडिकेशन किया, एक्चुअली ये नहीं है, इंडिकेशन किया, क्योंकि अप्राकृत वस्तु को प्राकृत जगत में एग्जीबिशन करना संभव नहीं। प्राकृत जगत में आपको अप्राकृत जगत का विषय को एग्जीबिशन करके दिखाए नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारा जो शास्त्रकार है सुंदर बताया कि आंख जैसा, आंख को आप समझो कि आंख दिखाई नहीं पड़ता, और आंख को छट से जलाओ तो आंख दिखाई पड़ा, फिर बुझ गया। इसका उदाहरण दिया अपन सब, जैसे हम बोला क्षुद्र जीवात्मा जो है हाथी का अंदर प्रवेश करके बड़ा पावर दिखाता है, और क्षुद्र एक तो एमीबा, एमीबा एक वन एक को एक कोष वाला जो है जीव है, सब मछली का अंदर, चूहा का अंदर, सांप का अंदर प्रविष्ट होके एक एक किस्म का खेला रचा रहा है। लेकिन दीत का भगवत दर्शन हुआ, वो डरते नहीं, वो किसी भी हालत से डरते नहीं। हम ये बात को बार बार बोला, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन से, वृंदावन से अब गौरधाम जा रहे, और जाने के टाइम में जंगल से गुजरते समय सामने शेर सुआया हुआ है, अब बिहारी जो माँ जो अपना टोकरी करके ले जा रहा है, बिहारी पीछे आ गया, बोले महाराज साहब ए पीछे क्यों जा रहा है रे, बोले महाराज सामने शेर सुआया हुआ है। दत्त कौन बोला शेर, सामने शेर सुआ हुआ नहीं, वो गौरंग महापो का पार्षद है, तू मूर्ख है, सामने चल। बाबा ने बोला सामने चल, कौन बोला शेर, अरे महाराज वो चलना शुरू कर दिया, शेर कुछ नहीं किया, वो सोया हुआ है। महात्मा का कितना पावर है, कितना हर वस्तु में दर्शन होता है, सांपों में, ये में, वो में, सब वस्तु में। वो कभी लड़की नहीं देखता, लड़का नहीं देखता है, एक संत महात्मा उसका नजर में ना तो लड़का है ना लड़की है, कुछ नहीं है। दृश्य प्रपंच में जो कुछ भी देखो उसका अंदर में भावना ये तो ठाकुर जी, ये रूप बन के बैठा हुआ है और कुछ नहीं। तो क्षुद्र जीव कैसे अनंत का साथ संबंध जोड़े, यही तो क्वेश्चन था ना पहले वाला, जो क्वेश्चन था यही तो क्वेश्चन था, हाउ वी कैन गेट इन कनेक्शन विथ इन्फिनिटी, अनंत का साथ कैसे संबंध जोड़े, दैट इज द वाइटल क्वेश्चन। अब संबंध जोड़े कैसे, बोले संबंध जोड़ना तो संभव नहीं, असंभव नहीं है, इसीलिए अनंत देव नित्यानंद बलराम गुरु वैष्णव का रूप पकड़ कर इस जगत में आया। ये अनंत जी, ये अनंत भगवान बलराम जी
गुरु वैष्णवों का जो रूप पकड़ कर इस जगत में है। जैसे आज सुबह में चर्चा हुआ था परम पूज्यवाद परमांशो गुरुदेव सिलसिल भक्ति प्रोगन केशव गोस्वामी महाराज, ऐसा संत महात्मा को इस जगत में भेज देते हैं सिला बामन गोस्वामी महाराज। क्यों? वो आने का बाद ठाकुर जी का मैसेज खबर देंगे, बस तुम चलो यहाँ का क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो उधर, समय खराब कर रहे हो, चलो ठाकुर जी का पास चलो, ठाकुर जी अपेक्षा कर रहे। हम गोप कुमार का कहानी प्रवचन में और सारे बहुत सारे प्रवचन हुआ, एक एक जगह बताए। गोप कुमार सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतम मृत में गोप कुमार एक एक करके जगह देख लिया, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी उसको अच्छा नहीं लगा, पूरी धाम में अच्छा लगा। देखो यहाँ महाप्रसाद का कोई विचार नहीं, कोई उसमें दूषित नहीं होता, कोई भी पाए एक साथ उसमें कोई दोष नहीं, बड़ा बड़ा सुंदर विचार है। फिर आगे चला, फिर आगे चल के ऊंचे ऊंचे धाम में गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुआ। बोला हमको बाद में जब गोप कुमार का सिद्धि भई, जब गोप कुमार का सिद्धि हुआ तब क्या, तब कृष्ण भगवान जो गौचारण क्षेत्र से कृष्ण भगवान गौ बछड़ा को लेकर एकदम लौट रहे, सारे गोप ग्वारिया सारे ग्वारिया हल्ला मचाते हुए आ रहे हैं और कृष्ण भगवान भी आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते। ठीक उसी समय और गोप कुमार का सिद्धि है, गोप कुमार का जो सिद्धि हुआ, गोप कुमार का सिद्धि इसी समय हुआ। और गोप कुमार सिद्धि होते ही क्या किया, वृंदावन में प्रविष्ट हुआ, वृंदावन में प्रविष्ट होकर नंदग्राम में प्रविष्ट हुआ। और कृष्ण भगवान का जो गोचारण से लौटते समय जो लीला है उसी में धरी भगवान आ रहा है, और कृष्ण भगवान उधर से दौड़ के आ रहा है, आके गोप कुमार को ऐसे आलिंगन किया करके बोला, दोस्त इतना दिन से तुमको ढूंढ रहा था, तुम कहाँ गया, हमारा पास इतना देर करके आए हो, व्हाई यू आर सो लेट, इतना देरी क्यों, कान खोलकर सुन लो। ऐसे ही सब जीवात्माओं के लिए ठाकुर जी हाथ फैलाकर रो रहे हैं, कब आएगा मेरा साथ, कब आएगा मेरा पास, आजा मेरा पास। ठाकुर जी बोल रहे हैं गोप कुमार को, तुम्हारा इतना देरी क्यों हुआ, हम तो तुम्हारा लिए इतना इंतजार में और तुम इतना देरी कर दिया, आओ। छाती में लगा लिया और रोना शुरू किया ठाकुर जी, इतना देरी क्यों हुआ। हर जीवात्मा के लिए ठाकुर जी वो अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा पास आ जाए। कोई अगर सोचे कि सब जीवात्मा को ठाकुर जी ले जाए तो यहाँ तो जीवात्मा नहीं रहेगा, ये तो पागल बनती है। पहले ही बोल दिया जीवात्मा अनंत है, अनंत का तो अभाव नहीं होता, जितना सारे जीव जाएगा और भी रहेगा, अभाव नहीं है। तो ये सब अनंत जीवराशि को रक्षा करने के लिए बचाने के लिए संत महात्मा का रूप पकड़कर इस जगत में पधारते हैं। कौन? संत महात्मा का रूप पकड़कर बलरामी आते हैं, बलराम भिन्न भिन्न रूप पकड़कर इस जगतवासी को उद्धार करने के लिए जगत में प्रकटित होता है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत जी महापुराण का शोभन का पहले गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम इसका बारे में जरा सा भी श्रद्धा होना जरूरी है। बिल्कुल श्रद्धा नहीं कि क्या सुनोगे। जब भी कलिकाल, ये कलिकाल में दूसरा कोई साधन है ही नहीं, एक नाम छोड़कर भगवान का नाम, कलिकाल केवल नाम आधारा समर समर जीव उतर ही पारा। कलिकाल में दूसरा साधन है ही नहीं। बोले क्यों है नहीं महाराज? बचे जीवात्मा जो है, जितना सारे जीवात्मा दे आर सो वीक, इतना दुबला है, इतना वीक है, दूसरे भजन में उसको प्रेरण करो, लगा दो, मर जाएगा, होगा नहीं, तपस्या करे। हमने हिमालय में घूरा, इधर उधर देखा महाराज, एक तपस्वी जोगी सुबह के टाइम में मैं गुजर रहा था और देखा, अरे वो तो पानी में एकदम ठंडी पानी बर्फीली उसमें इतना तक गुजर कर ऐसा करके बैठ गया, खड़ा हो गया। बोले जी
कैसा साधन है, एक लोटा गरम दूध पी लिया बस सारा दिन सूर्य अस्त तक ऐसा करके बैठ गया पानी में हैं? उसको जानकारी है ही नहीं जो संकीर्तन के द्वारा जितना सुविधा होगा उतना सुविधा कुछ ही भजन में नहीं है। या एक ज्ञान मार्ग में जाओ या कर्म मार्ग में जाओ जोग मार्ग में जाओ लेकिन ऐसा सुविधा नहीं मिलेगा। क्यों? बस संकीर्तन के माध्यम सब मिलने वाला है, संकीर्तन के माध्यम सब मिल जाएगा क्योंकि संकीर्तन में ही प्रभुपाद जी विचार दिखाया जो कृष्ण संकीर्तन इसी को ही महाध्यान बोला जाता है। श्री कृष्ण संकीर्तन को ही महाध्यान बोला जाता है, दूसरा क्या ध्यान करोगे? मेरा बात को ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। तुम जो ध्यान लगाने का चक्कर में हो ध्यान क्या लगाओगे? तुम ध्यान में बैठोगे तुम्हारा मन चला जाएगा बॉम्बे, हमारा लड़की है बच्चा वो उसका तबीयत ठीक नहीं है और दुकान में जाएगा और बिजनेस में चला जाएगा, वहां उधार दिया था पैसा अभी वापस नहीं दिया, मोटी मोटी रकम है और कहां जाए हम, इसी में चला जाएगा बद्दू जी। तो ध्यान में बैठ के देखो, ध्यान में ऐसा आंखों मुदोगे ना, आंखों का सामने आंखों फाड़ फाड़ कर जो देख रहे हो उसी दृश्य को देखोगे, आंखें मुदो देखोगे, आंखों मुद के देखो अंदर में जो देख रहे हो बाहर वही अंदर में है। तो व्हाट इज द यूटिलिटी, इसमें सुविधा क्या है? सकोगे नहीं। इतना प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार नियम जम साध्याय अध्याय जितना सारे इतना कष्ट करके करोगे व्हाट फॉर, किस लिए करोगे? अल्टीमेट क्या तुम्हारा मकसद क्या है? कलौ केशव कीर्तनात्, कलिकाल में केशव कीर्तन में सब मिल जाए। ठाकुर जी का कीर्तन करो, ये कीर्तन के द्वारा तुम्हारा सामने क्या होगा, ये संकीर्तन में क्या होगा सुविधा? भले ये जो महासंकीर्तन है इसमें तुम्हारा ध्यान बन जाएगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो दिखाया शास्त्रों का विचार, ये पूरा विचार करके क्या कर रहे हो देखो शास्त्रों में क्या तुमको नजर में नहीं आया। संकीर्तन करो, जब प्रेम के द्वारा संकीर्तन करोगे संकीर्तन का टाइम में क्या तुम्हारा को होश रहेगा? चैतन्य महाप्रभु जब अपना पार्षदों का साथ नृत्य करते थे गौर हरि बोल बोल के, हम लोग हमारा गुरुवर को भी नृत्य किया है, तो कोई दूसरा कोई चिंता रहता है? चिंता रहता है कैसे रहेगा, वो संकीर्तन में डूबा हुआ है। और नवविधा भक्ति में भी बता, कान खोलकर सुन लो उसका बाद हम शुरू करेंगे, आज ही समय नहीं दे रहे हो। सारा दिन में एटलीस्ट 6 आवर्स आई नीड, 6 घंटा टाइम कम से कम, लेकिन तुम्हारा पास है ही नहीं टाइम, तो हम क्या करें, मरो समय ही है नहीं, तब कुछ व्याख्या हो पाएगा। तो ये जो संकीर्तन है ये महाध्यान है, ये संकीर्तन जो है ये महायोग है, ये जो महासंकीर्तन है यही सबसे बड़ा यज्ञ है। ये जो संकीर्तन महासंकीर्तन ये जो संकीर्तन है ये संकीर्तन को प्रभुपाद जी दिखाए चैतन्य महाप्रभु दिखाए यही महायोग्य है। क्या यज्ञ करोगे? यज्ञों का घी मिलेगा? सब चर्बी खाने के लिए सब मार्केट में चर्बी मिलता है, घी नहीं है, कहां से घी मिलेगा? पूरा भारत में जो दूध घी का जो डिमांड है इसका 30% भी मिलने वाला नहीं है। जो गौ माता का संख्या है और जो जनसंख्या है 30% भी नहीं, तो 30% भी नहीं है तो इतना सारे कहां से आ रहा है? सब चर्बी, सब एनिमल फैट। बिस्कुट खाओगे उसमें भी लिखा हो E1 E2, आप E1 E2 ईमेल खुलकर देखो, इंटरनेट खुल के देखो, ईमेल का मतलब है एनिमल फैट। तो वैष्णव लोग नाचो बिस्कुट खाता है ना तो केक खाता है, कुछ नहीं खाता, बाजार का कुछ नहीं खाता, वो जानते हैं उसमें कंटामिनेशन है।
कोई भी अगर दूध लाए तो भी दुहाकर डायरेक्ट लेके आओ, कुछ कुछ ना करो, डायरेक्ट लेके आओ। आज देसी गौ माता का है तो समझ जाएगा, नहीं तो काल जो दिया था, काल जो दिया था थोड़ा बहुत दूध महाराज, ये हम देने का साधन मुझको पता है, पता चले ये देसी गौ माता तुरंत थोड़ा सा। तो देसी माता का कुछ जादू अलग है, तो सब चर्बी। तो मेरा कहने का मतलब है ना, तो जग करने जाओ तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आज से शायद 25 साल पहले न्यूज़पेपर में आया था, शायद हमारा याद उतना नहीं है, भूल गया, कि महाराष्ट्र में कोई धोनी व्यक्ति जोगो करने का व्यवस्था किया, जैसे सत्य युग में होता है, जैसे त्रेता युग में द्वापर युग में होता है जोगो, उसका पूरा खानदान उजड़ गया, पूरा खानदान। ऐसा ब्राह्मण भी मिलना मुश्किल है। तो जोगो समाप्त हो गया, तुम जो संकीर्तन करोगे इसके द्वारा ही तुम्हारा महायोग्य हो जाएगा, तुम जो संकीर्तन करोगे उसके द्वारा ही महाध्यान हो जाएगा, तुम जो संकीर्तन करोगे उसके द्वारा ही तुम्हारा महायोग हो जाएगा, कोई अभाव नहीं रह जाएगा। अगर बोलोगे महाराज प्रमाण दिखाओ, कैसे हो सकता, अच्छा ठीक है प्रमाण दिखाए। नवविधा भक्ति में पहले हम बताया कि नवविधा भक्ति में सुवर्णम कीर्तनम है, विष्णु स्वर्णम पाद सेवन इत्यादि है, हम व्याख्या करेंगे बाद, सब आएगा। मतलब का बात कहे अभी, वो जो उधर लिखा है श्रवणम कीर्तन, पहले ही 9 किस्म का नहीं 64 किस्म का जो भक्ति का जो अंग है, 62 टाइप्स ऑफ भजन मोड, मोड साध्य 64 किस्म का भजन मोड है। ये 64 किस्म का भजन मोड में विचार करो तो उसमें देखोगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, श्रोवणम, पहले श्रोवण, पहले श्रोवण, आ श्रोवण के बाद कीर्तन, उसका बाद स्मरण, तो तीनों लगा हुआ है। क्योंकि बचपन में जब पैदा हुए हो तो कोई अगर कुछ बोले ऐसा करे तो बच्चा देखता है कहां से साउंड आता है, ठाकुर जी कैसे हैं, ठाकुर जी ऐसा ही एक मैजिक है। एक बच्चा कुछ नहीं जानता क्या कुछ है नहीं है, लेकिन एक बच्चा ही कैन फॉलो और सी कैन फॉलो ए साउंड दैट बेबी, वो जो बच्चा है ठाकुर जी का ऐसा महिमा है, वो जन्म लेते ही वो पहले आपका जो हियरिंग ऑर्गन, सुनने वाला जो ऑर्गन है उसको पहले जागृत कर देते, ठाकुर जी का ऐसा लीला, वो ऐसा जादू है ठाकुर जी। वो बच्चा कुछ नहीं समझता, ऐसा करो तो देखेगा कहां से आ जा रहा है, क्यों, वो साउंड को लेने के लिए जो तैयार हो गया उसका काम, लेकिन आंखें उतना तैयार नहीं हुआ, ऐसा ऐसा देखेगा बच्चा, वहां नजर नहीं हुआ, ठाकुर जी का ही ये विधान है। और श्रोवण करने का साथ साथ, श्रोवण करने का साथ साथ क्या होगा, श्रोवण अगर ठीक सही ढंग से हो तो, सही ढंग से अगर श्रवण हो तो कीर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम कीर्तन नहीं कर सकते हो किस, इसलिए तो तुम्हारा श्रवण हुआ ही नहीं, तुम्हारा श्रवण हुआ ही नहीं, तुम जो श्रवण करने के लिए बैठे हुए है वो तुम्हारा जो मन है वो चारों ओर दौड़ रहा है, एक जगह पर नहीं है, सारे मन को टुकड़ा टुकड़ा करके तुम बांट दिया, कितना हिस्सा हो गया मन का, एक मन उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बात, उसको हिस्सा करके बांट दिए हो, एक टुकड़ा चला गया कलकत्ता, एक टुकड़ा चला गया बॉम्बे, एक टुकड़ा चला गया दुकान में हैं, रिश्तेदारी में चला गया एक टुकड़ा, लेकिन ये टुकड़ा रहने से होगा नहीं, ये जितना सारे टुकड़ा टुकड़ा मन है सबको इकट्ठा करो, फास्ट इज योर फास्ट ड्यूटी, तुम्हारा पहला ड्यूटी है, तुम्हारा पहला ड्यूटी है कि पहले ये मन को इकट्ठा करो, टुकड़ा टुकड़ा मन को बांट दिया, अखंड वस्तु जो है, अखंड वस्तु, ठाकुर जी कोई टुकड़ा वस्तु नहीं है, ठाकुर जी अखंड वस्तु है, अद्वैत ज्ञान तो अखंड वस्तु, और अखंड वस्तु जो है, अखंड वस्तु के विचार करने जाओ, भावना करने जाओ तो खंडो
टुकड़ा मन लेके होगा नहीं, अखंड वस्तु का ध्यान करने के लिए अखंड मन का जरूरी है। मेरा बात समझा? अब हम प्रमाण करेंगे कि कैसे सोवन कीर्तन स्मरण, ऐसे तो सारे भक्तों एक रिलेटेड इंटर रिलेटेड, हम तीनों का प्रमाण दे, ध्यान से सुनो। जब देखो कोई सोवन करे, सही ढंग से सोवन कर, क्यों? फिर वही बात, क्योंकि अभी हम बताएंगे भागवत जी का महिमा, उसमें आएगा, अभी आप देखोगे प्रमाण, इसका विचार है। जो गोकर्ण जी जो भागवत कथा का प्रवचन किए, ये प्रवचन के द्वारा धुंधुकारी उसका मंगल हो गया, और बाकी जीवात्मा इतना श्रवण किया उसका सुकृति बन गया। मैं ये बात को बोलते हुए बहुत चिंता हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत वीक हो जाएगा, दिखा लेते हैं बहुत आदमी, लेकिन आत्मसमर्पण अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा सुकृति बन के रह जाएगा, यू कैन नॉट डू भजन नहीं होगा। भले महाराज दिखा लेने का बहाना किया, जब कर रहा है सब कर रहा है, उसका क्या होगा? ठाकुर जी बोले, प्रभुपाद जी बोले, उसका भगवत सेवा में डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अरे हैरान की बात है, प्रभुपाद बोल कह रहे हैं कि वो दिखा लिया है, लेकिन दिखा का टाइम में आत्मसमर्पण नहीं किया, विषय को नहीं छोड़ा, गुरुचरण में सब समर्पण नहीं किया, तो उसका जो दिखा है उसका क्या होगा? प्रभुपाद बोले उसका सुकृति बन जाएगा, उसका भगवत सेवा में अधिकार नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो तो आत्मसमर्पण नहीं किया। दुख की बात नहीं है, विचार करके देखो, आत्मसमर्पण नहीं किया तो आत्मसमर्पण जब नहीं करोगे व नहीं करोगी तो क्या होगा? आपका चिन्मय नहीं होगा, शरीर जो है, मन जो है, जो अपराकित होगा नहीं, चित शरीर का आविर्भाव नहीं होगा, चित शरीर चिन्मय देहो का आविर्भाव नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारा सेवा में डायरेक्ट अधिकार नहीं। करो, यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करो, उसमें कोई हर्जा नहीं, घर में ठाकुर जी को पूजा करो, सब कुछ करो, ये बाधा नहीं, लेकिन डायरेक्ट ठाकुर जी का सेवा में तुम्हारा अधिकार अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब तुम्हारा अंतर से 100% शरणागति आ जाए, को अपना अपना बोल के कुछ है ही नहीं, सब ठाकुर जी को दे दिया, जैसे अम्बरीश महाराज दिया है, पृथ्वी महाराज दिया है, अपना बोल के कुछ है ही नहीं, जनक महाराज दिया है, अपना बोल के कुछ है नहीं। जो जनक महाराज को बोलते हैं, इतना तमाम दुनिया का अधीश्वर हो, राजा हो, बोले महाराज हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप सब तो दुख का अधिपति हो, बोले नहीं हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हम खाली। अब सुनो, ये श्रवण क्रिया जो है, ये श्रवण किया अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा? आत्मा का जो चेंज है, परिवर्तन है, टोटली हो जाए धीरे धीरे। अब अगर बद्ध जीव है, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते आत्मसमर्पण पूरा हो जाए, वो भी अच्छा है। अगर सोचोगे आत्मसमर्पण पूरा नहीं होगा, लेकिन कथा सुनते सुनते हो गया तो फिर भी चलेगा, लेकिन कथा सुनते सुनते कथा का जगह कथा और महात्मा का जगह महात्मा, हमारा जगह हमारा। जैसे श्री संत गोस्वामी महाराज एक मजेदार एक कहानी बोला सभा में, बोले एक पोती को लेकर एक मैया वो महाराज जी का सभा में आई और बैठी हुई है, और कथा सुनने का बाद घर में गई। वो था एकादशी का पहला दिन, माने काल एकादशी, आज कथा सुन। महाराज जी बोला देखो, एकादशी का दिन उपवास व्रत रखना है, और फल खा सकते हो अगर संभव है तो उपवास करो, नहीं संभव है तो फल खाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अन्न ना खाओ, रोटी चावल जब गेहूं कुछ नहीं खाओ। अब वो घर में गया, और नेक्स्ट डे जो है दूसरा दिन, जो वो जो बच्चा है, बच्चा वो गुड़िया के लिए क्या कर रहा है, वो रोटी और सब्जी वो पैकिंग करके स्कूल जा रही है, बच्चा पोती उसके लिए पैकिंग भर रहा है। वो बच्चा चिल्ला भाई है, दादी जी क्या कर रहे हो? काल महाराज जी निषेध कर दिया ना, रोटी पोटी नहीं खाना है, एकादशी का दिन है आज,
और दादी मैं एकदम फटकार लगाया, चुप, काल का बच्चा है। महाराज जी की, महाराज जी से सुनकर, अरे महाराज जी का जो प्रवचन है, घर का कथा घर में रहो और मठ का कथा मठ में रहो। घर का कथा कोई, मठ का कथा कोई घर में लाता है? मठ का कथा तो मठ में ही रखने, ये संत महात्मा तो बोलते ही रहते हैं पागल के माफी, वो कोई घर में लाए हमारा संसार चलेगा? जा लेके जा, ऐसा ही है। ऐसा करने से कैसे होगा? तो ये जो श्रवण क्रिया है, श्रवण किया अगर सही ढंग से हुए तो एक भागवत कथा श्रवण का साथ साथ तुम्हारा भक्ति सिद्धि हो जाएगा। भक्ति सिद्धि एक भागवत कथा का श्रवण, एक भागवत कथा असली जगह श्रवण करो जहां जिस संत महात्मा का अनुभव है, भजन किया है, गुरु कृपा जिसको भरपूर है, एक बार भागवत कथा श्रवण करने के साथ साथ तुम्हारा भक्ति सिद्धि हो जाए। नहीं तो दुनिया भर का कथा सुनो, वृंदावन में जाओ, मलाई खाओ और कुल्फी खाओ और बिहारी जी का दर्शन कराओ, माला चढ़ाओ और महाराज वृंदावन दर्शन करके आया। खूब किया, बहुत अच्छा किया, वृंदावन दर्शन हुआ, गाड़ी लेके आया, एसी गाड़ी लेके आया, पार्किंग किया और मलाई खाया और सिंगड़ा कचौड़ी खाया और बिहारी जी के लिए भी थोड़ा दे दिया बर्फी और माला चढ़ाया, हमारे हम वृंदावन दर्शन करके आए। बड़ा भारी सुंदर वृंदावन दर्शन हुआ। वृंदावन ऐसा नहीं है दर्शन का चीज, वृंदावन ऐसे दर्शन करने वाला चीज नहीं है। तुम वृंदावन दर्शन करो संभव नहीं है। तो ये जो कीर्तन है, कीर्तन के द्वारा हमारा श्रवण का सुविधा मिलता है। अगर हम अभी इधर बैठ के अभी कीर्तन कर रहे हैं, अब विचार करके बताओ, हम जब कीर्तन कर रहे हैं हमारा हिम्मत भी नहीं है ये दूसरा चीज का चिंतन करें, हम कैसे करें? क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारा स्फूर्ति हो तभी हम भगवत कथा बोले। हम तो मुखस्त करके हम बताया नहीं कभी भी, सब जानते जो पुराना श्रोता, हजारों हजारों श्रोता, यहाँ कहाँ है कोई, है ही नहीं श्रोता, हमारा तो नजर में नहीं आ रहा, श्रोता है ही नहीं इधर। तो ये जो है ये हम कीर्तन कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, ये जो कीर्तन कर रहे हैं कीर्तन का साथ साथ हमारा ही जो प्रवचन है हमारा कान में आता कि नहीं? ये जो हमारा प्रवचन है हमारा कान में आ रहा है? हम अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम अगर ये बताए, ये तो कीर्तन किया लेकिन ये मेरा कानों में आया कि नहीं आया? तो कानों में आया, तो मेरा ही संकीर्तन, मेरा ही कीर्तन जो है मेरा श्रवण का सुविधा है, मेरा ही कीर्तन है मेरा श्रवण का सुविधा है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारा कीर्तन का स्वाद स्वाद श्रवण भी हो रहा है और कीर्तन का साथ साथ जो श्रवण हो रहा है और उसका साथ साथ हमारा स्मरण भी हो रहा है। क्योंकि स्मरण किए बिना हम कैसे बताएं? हमारा शरण में ठाकुर जी का लीला आए, तत्वज्ञान को तत्वज्ञान स्फूर्ति प्राप्त हो तभी हम आपके सामने उपस्थित कर सकता है, स्थापित कर सकता है सिद्धांत। हमारा स्मृति दूसरा जगह है, हमारा कीर्तन दूसरा जगह है, ये हो ही सकता? कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो हमारा प्रवचन है, कीर्तन है, हमारा अपना कानों में आ रहा है और उसके द्वारा हमारा खुद का स्मृति बन रहा है और स्मृति है। अब देखो, श्रवण कीर्तन और स्मरण कंटिन्यूअसली रिलेटेड, एक दूसरे का साथ संबंध जुड़े हुए। तुम्हारा अगर कीर्तन होगा वो तुम्हारा संकीर्तन के साथ साथ तुम्हारा श्रवण भी होगा और तुम्हारा स्मरण भी जरूर होगा, तो तीनों ही चलते रहेगा। तो संकीर्तन में कैसा लाभ है देखो, अगर बोलोगे महाराज हम केवल बैठ के शरण करेंगे, और बैठ के शरण करो, ये तुम्हारा एक फायदा होगा, शरण कर रहे हो ठाकुर जी का रूप, नाथोद्वार में गया तो ठाकुर जी का गोपाल का मूर्ति देख के आया तो शरण कर रहे हो, ठीक है, लेकिन शरण के द्वारा आपका सुविधा हो रहा है, स्मरण के द्वारा आपका सुविधा हो रहा है, हैं? आश्रवण के द्वारा भी आपका सुविधा हो रहा है,
लेकिन कीर्तनकारी जो है उसका तो माला माल, क्योंकि कीर्तन का साथ साथ दूसरे का जो श्रवण क्रिया है, दूसरे का जो श्रवण क्रिया है वो हमार वो कोई महात्मा का कीर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अगर कीर्तन करे तब ना हम श्रवण करे, तो श्रवण कीर्तन और स्वरण तीनों ही बनते चलेगा अगर तुम कीर्तन करोगे। घर में बैठकर करताल ठोक कर कीर्तन करो, भूल जाओ संसार, गोली मारो और बैठो कमरा बंद करके और पढ़ के कीर्तन करो। कीर्तन के साथ साथ श्रवण भी होगा और स्वरण भी होगा। जब नाम करो तो चुपचाप नाम करोगे, तुम्हारा नाम बैठेगा नहीं। इसलिए हरिकथा, हरिकथा सुनना, हरिनाम करते करते ठाकुर जी का दर्शन होता है जो संत महात्मा है। लेकिन अगर तुम्हारा मन टिकता नहीं तो कम से कम हरिकथा को चलाओ, चला के नाम करो, ठाकुर जी का श्रवण करो कम से कम। तो श्रवण कीर्तन और स्वरण ये तीनों जो भक्ति अंग है एक दूसरे का साथ जोड़ा हुआ है। और शंकराचार्य जी बहुत सारे, शंकराचार्य जी का मायावाद भाष्य तो है ही है, शरीरक भाष्य परम पूजक केशव गोस्वामी महाराज जी कैसे खंडन किया, बाप रे। बहुत सारे वेदांतों का विचार हम देखते हैं लेकिन परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज के वेदांतों का विचार सुनने से हम पागल हो जाते। अरे बाप रे क्या विचार है, एक एक विचार को खंडन करके फेंक देता है, जा कहां जाए, भक्ति को स्थापन कर। शंकराचार्य जी मायावाद भाष्य स्थापन के हम पहले ही कह चुके, लेकिन शंकराचार्य जी का मतलब, शंकराचार्य जी का जो कहना है सिद्धांत तो ये नहीं है, ये तो आदेश हुआ तो कर दिया। लेकिन शंकराचार्य जी का हम दो एक श्लोक बताया पहले, अब अभी बताए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। शंकराचार्य जी तुम मरोगी, मरने के बाद फिर किसी का लड़की बन के, लड़का बन के या किसी जीव बन के जगत में आना है, कोई समाधान नहीं, देयर इज नो सल्यूशन, समाधान नहीं निकलेगा। जो समाधान कर रहे हो वो समाधान परमानेंट नहीं है। इसका बारे में हम काल चर्चा करें, सुबह का अधिवेशन है, इसमें एक जगह सब चर्चा हो नहीं सकता। जो तुम जो समाधान कर रहे हो संसारी जीवन में, अपना सल्यूशन कर रहे हो एक एक समस्या का, ये समस्या वास्तविक समाधान नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट सल्यूशन, तुम्हारा समस्या रहेगा। कोई अगर बोले महाराज संसार क्या वस्तु है, एक शब्द में बताओ, किसी ने पूछा था महाराज संसार किसको बोल रहा है, ये एक शब्द में बताओ, कि जगत का जो आदमी है एक शब्द सुनने के बाद धक्का लग जाए, कुछ खोपड़ी में कुछ घोसे, संसार का अर्थ क्या है। तो एक संत महात्मा का उत्तर क्या है, बोले महाराज दुनिया का जितना समस्या है, दुनिया का जितना समस्या है सारे समस्या को चुन चुन कर एक जगह ढेर लगा दो, इसी का नाम संसार है। समझा मेरा बात, जितना सारे दुनिया का समस्या है ऐसे सारे समस्या के इकट्ठा करो करके एक जगह ढेर लगा दो, भले दैट इज दैट द पिक्चर इज एक्चुअली मेटेरियल संसार। ये जो पिक्चर आएगा आपका सामने इसी का नाम संसार। कभी शरीर खराब हो गया, करोड़ों पति का घर में हरीर कथा हुआ, हमारा से कोई लेना देना नहीं है, जलंधर में इधर उधर हमारे पास रोया, महाराज हमारा बेटिया रानी का देह अंत हो जाए, ब्रेन में ऐसा कैंसर हुआ कुछ नहीं होने वाला, अमेरिका रसिया फ्रांस इटाली जितना करोड़ों करोड़ों रुपया, बोला हम जितना करोड़ रुपया लगे हम खर्चा करें, लेकिन हो नहीं पाया। हमको बोला महाराज इधर थोड़ा प्रवचन कर दो, अब प्रवचन सुन के जीवात्मा अगर बच जाए, हम बोला तो धंधा खराब है, किसी को किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो हमको अगर बताए हम भागवत प्रवचन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अरे वो बाजार का आदमी है कर लेगा, हम नहीं करेंगे, तुम्हारा तकदीर में जो है वो, तुम ठाकुर जी के पास जाना चाहते हो कि बोलो। हाँ कोई मरने वाला है वो दो रख कथा सुनकर वो मुक्ति हो,
इसका तो विधान है, लेकिन सुविधा मिले, धन संपत्ति मिले, हैं सारे बच्चा आए, सब कुछ होए, समस्या समाधान हो जाए, ये सब अगर आप मांगोगी तो हम नहीं करेंगे। सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, ये तो तुम्हारा आरती है। सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, चाहे जितना भी पैसा खर्च कर दे, कर दे। महाराष्ट्र में जाओ, गणपति देवता का पूजा होता, एक एक बात बोले तो बहुत इसी में चला जाएगा समय, इतना बड़ा बड़ा सब दर्शन है। गणपति देवता का बारे में हम बताते चले तो आप हैरान हो, गणपति देवता, गणेश जी के बारे में इतना सारे तत्व है इसके अंदर में। हम तो सोचा के पास ये सूंड है, गणपति देवता है, थोड़ा पूजा कर दो, धन संपत्ति आए, इतना ही जाना है। गणपति देवता का क्या रहस्य है, कौन गणपति देवता कौन है जो दुर्गा मैया का पूजा की हो, वो दुर्गा मैया कौन है, और नीचे में जो सिंगो को दबा के रखे, सिंगो है जिसके ऊपर मैया पैर रखी, वो सिंगो कौन तत्व है, वो सुर जो है जिसका ऐसा कर, वो कौन तत्व है, कुछ समझ में आया, लोखी कौन है, कार्तिक कौन है, कुछ नहीं समझ, कला कला केले का पेड़ जो है लगा दिया कला बो, वो कौन है, समझ में आया, कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम संत महात्मा के पास गया ही नहीं कभी। जो था कथा का मजा, जय शिल भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज रहते हुए, अब हम इधर अगर दो दो एक साल रहे, वहां जितना सारे पट्टी में लोग सब आएगा, लेकिन हमारे साथ रहने का टाइम नहीं है, सब आते रहेगा। हम वाराणसी में गए किसी काम पे, पोपा जी का मठ है वाराणसी में, अब रुके कहां, वहां रुके है, एक लेके गया हम, महाराज इधर रुको, और एक दिन हमको प्रवचन करने के लिए बैठा दिया, इतना खराब लगा महाराज, कहां प्रवचन करे, सुनने वाला कोई है ही नहीं। हम हैरान हो गया, जे भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, ये जो वाराणसी है मायावाद क्षेत्र, जहां चैतन्य महाप्रभु मायावाद सिद्धांतों को टुकड़ा टुकड़ा करके एकदम फेंक दिया, 10,000 शिष्यों का साथ मायावाद भाषो में जो आचार्य है प्रबोधानंद प्रकाशानंद सरस्वती पाद, वो महाप्रभु के चरण में गिर पड़ा, महाप्रभु कृपा करो, जो हुआ सो हुआ, अब कृपा करो। ये मायावाद क्षेत्र है जहां ब्रह्म परमात्मा यही बात चलता है, और ठाकुर जी का लीला कुछ नहीं चलता, और चैतन्य महाप्रभु जब एकदम नवद्वीप लीला रचा रहे, नवद्वीप तब सन्यास नहीं लिए, और नवद्वीप लीला का टाइम में एक दिन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, भाव में आकर, ये बेटा वाराणसी में प्रकाशानंद जो है वो वेदांतों का व्याख्या करता है, वो वेदांत व्याख्या नहीं कर रहा है, मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है, ही वॉन्ट टू डिवाइड मी इंटू पार्ट्स। चैतन्य महाप्रभु निमाई का लीला कर, निमाई नवद्वीप लीला में, और उसी टाइम में भाव में आकर चिल्ला रहे, वो वाराणसी में प्रकाशानंदो ये वेदांतों का व्याख्या कर रहा है, और वो वेदांतों का व्याख्या तो नहीं कर रहा है, वो मेरे को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु चिल्ला के बोला, उसी प्रकाशानंदो को बाद में जब संन्यास लिया, जाके उद्धार किया। तो मायावाद चैतन्य महाप्रभु उसी जगह हम गया, हम सोचा कि भाई प्रभुपाद जी का मठ है, और प्रभुपाद जी वाराणसी में क्यों मठ किया, कि मायावाद सिद्धांत को खंडन करे, गौड़िया मठ का एकदम अनोखा प्रचार चलते रहेगा, गौर प्रेमानंदे बोल के एकदम नित्य चलेगा। हम मठ में रहा दो दिन, विश्वनाथ का दर्शन किया, पानी दिया, विश्वनाथ को बहुत प्यार करता है बचपन से ही, लेकिन हम हैरान हो गया, क्या बात है, मठ में ना तो अच्छा कीर्तन है, ना तो कुछ है, कुछ नहीं, बस आपस में टुंग 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 कीर्तन कर, यहाँ का प्रवचन है हमारा अच्छा ही नहीं लग, पूरा तमाम दुनिया का आदमी सुने, चिल्ला चिल्ला कर बोलो, आओ सामने, हिम्मत है तो क्या। वहां देखा कुछ नहीं है, अपना भोग लगाया खाया, कुछ नहीं, प्रचार कहाँ है। प्रभुपाद जिस कारण ये वाराणसी में ये गौड़िया मठ स्थापन किया, और कुछ नहीं बचा है,
और निमंत्रण किया और निमंत्रण का आदमी जो है सब पैसा देने के लिए तैयार है, 500 1000 सब प्रणामी फेंक फेंक कर जा रहा है, हमको नहीं है मठ वाले को, अब प्रसाद पाने का टाइम में आया, ये संकीर्तन सुन के क्या होगा, हरिकथा सुन के क्या होगा, ऐसा विचार है, ये मायावाद क्षेत्र है। ये कहानी याद हो गया, सुनने से हंसी आएगा, बहुत सुंदर कहानी। इसके बाद हम शुरू करेंगे, होशंगाबाद बोल के एक जगह है जहां रुपया, जो रुपया का जो पेपर्स है, रुपया का जो पेपर है ना, वो वहां वो पेपर मिल है होशंगाबाद। ये नर्मदा नदी का किनारे, ये इधर छोटी से इतना चौड़ा नदी, इससे थोड़ा बड़ा होगी, वो उस पर विंध्याचल पर्वत का एकदम, विंध्याचल पर्वत बहुत लंबा है, कितना क्रोश क्रोश विंध्याचल पर्वत बहुत लंबा, ये हम हिसाब नहीं कर सकता, हमारा पास कोई हिसाब नहीं। वो विंध्याचल पर्वत दूसरे तरफ जंगल है, विंध्याचल पर्वत इस तरफ शहर है। हम नदी का, नर्मदा नदी का तो महिमा ठाकुर जी के कृपा से सुने और पानी मस्तक में दिया और याद किया ठाकुर जी का लीला जो है वहाँ, ये नर्मदा नदी के तट पर असुर और देवता लोगों का बड़ा संग्राम, बड़ा भारी संग्राम हुआ था, अब याद कर रहा था। वहाँ एक आदमी का मुख में एक सुंदर कहानी सुना, बोले वास्तव फैक्ट, बोले एक लड़का, नौजवान लड़का इस पार से उस पार जंगल में जाकर, एक बाबा रहता था जोगी बाबा, चुपचाप भाई कोई किसी को पता नहीं, वो बाबा क्या खाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, नोबडी नोस, इतना सीक्रेट उसका भजन है, कभी कभी किसी का सौभाग्य में दिया ही बाबा जा रहा है। वो बाबा को वो नौजवान देख लिया, बाबा कौन सी जंगल में रहता है, कैसे रहता है, वो ढूंढ कर पता करके वो गुफा का सामने रोज जाके माथा टेकते हैं और रोते हैं, बाबा कीपा करो, बाबा कीपा करो, हम तो मर जाए। बहुत दिन किया, बाबा ने सारा नहीं दिया, तो इतना दिन अगर कोई रोए तो है तो महात्मा, तो महात्मा किसी का दुख कैसे देखे। और फिर जवान खुला और जब बोले कीपा करो कीपा करो, बाहर आया, जा कीपा कर दिया, तेरा संसार नाश हो जाएगा, जा परमात्मा प्राप्त तो हो जाएगा, बोल के आशीर्वाद कर दिया। अब उसका जो रोना धोना और दिगुना हो गया, और जोर से रोना शुरू कर दिया, अरे आप क्यों रो रहे, अब तो कीपा कर दिया, तू बोला कीपा करो, हम तो कीपा कर दिया, परमात्मा मिल जाएगा, जा भजन कर, नहीं ऐसा कीपा नहीं चाहिए, तो कौन सी कीपा चाहिए, एक बड़ा भारी फैक्ट्री खोल जाए, एक अच्छा घराने में ब्याह हो जाए। अरे महात्मा तो एकदम दुखी हो गया, आज तेरे को मरने वाला कीपा चाहिए, एक पहले क्यों नहीं बताया, हमारा इधर आके टाइम खराब कर, जब इधर से फटकर लगा दिया, ऐसा ऐसा महात्मा है वृंदावन। हमारा जो भक्तमाल है उसमें भी है, ये जो भागीरथ जी, भागीरथ जी जो गंगा लाए, भगवत जी वो उसका हड्डी फड्डी कुछ नहीं है, उसका मैया ने किया और फेंक दिया, और एक महात्मा ने बोला ये फेंकते क्यों है, बच्चा है तो क्या करे इसको लेके, बोले ऐसा करो इसको लेके उधर फेंक के आ जाओ। और एक महात्मा ये जो क्या है तिबक की अष्टवक्र, अष्टवक्र मुनि उधर से गुजरते समय उसको कीपा कर देगा, किसी महात्मा ने बोला, बोले ठीक है अगर बच जाए तो बच्चा बच जाए, ठीक है तो उसको फेंक के आया, वो पड़ा हुआ है नर, कोई जाने के हिलने का हिम्मत नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें, हड्डी बड्डी कुछ नहीं, जैसे मांस का पिंड है। और अष्टवक्र मुनि जा आ रहे नहाने की, दूर से देखा जी ए हमारा साथ मजा कर रहा है तू, अगर मजा कर रहा है तोरा को तेरे को एकदम जला के एकदम शेष कर देंगे, अगर मजा नहीं कर रहा है सचमुच ठाकुर जी का ऐसा ही है तुम्हारा, तेरा शरीर ऐसा है तो ठीक हो जाए जा, ऐसा बोल दिया। वो तो मजा में नहीं था, वो तो सचमुच ऐसा है, अष्टवक्र मुनि का कृपा से पूरा शरीर पूरा हो गया। वृंदावन भी ऐसा हुआ, ऐसा बीमारी हुआ, ब्रजवासी ने बोला मैंने महाराज क्या करे, एक महात्मा ने बोला वो जो महात्मा है वो सिद्ध महात्मा है,
वो कांटे का झाड़ में रहता है, कोई विषय आके कोई फल दे फूल दे फेंक जा दूर दूर हो जा, वो लेते नहीं कुछ। और जंगल झाड़ी में रहता है ऐसा जगह जहां आप जाओगे तो आपका आपका कांटे लगेगा, कांटे का अंदर जाना पड़ेगा, आप तो पागल हो जाओगे, वो महात्मा चला जाता है और लाठी ठोक ठोक कर। तो बहुत बहुत दिन से लड़का बीमारी है, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, कोई डॉक्टर। और किसी ने बताया कि एक काम कर, उसको कांटे का झाड़ में फेंक क्या उधर, वो महात्मा का नजर में आ जाए तो ठीक हो सकता। तो क्या हुआ, वो उसको नजर उसको फेंक के आया, और वो बेचारा वो बीमारी तो है ही है, वो उसको कांटे का झाड़ में उधर फेंक के आया तो रहते कैसे, वो रोना शुरू कर दिया चिल्ला चिल्ला, अरे हमको फेंक के चला गया। और वो महात्मा गुस्सा हो गया, चिल्ला रहा है, काहे को चिल्ला रहा है, बोल के अपना डंडा है, डंडा से एक लगाया बारी बात शरीर ठीक हो गया, अपना डंडा से एक बॉडी लगाया जा बात, चिल्ला रहा है इधर भजन कर, डंडा लगाया का तबीयत ठीक हो गया। ऐसा है, लेकिन संत महात्मा से ये सब चीज नहीं लेनी है, हमको लेना है भक्ति, भक्ति मिलना चाहिए ना, जितना सारी जीवात्मा है सबको भक्ति मिलना चाहिए। ये सब बारे में चर्चा होते रहेगा, आज ये सब चर्चा चलते रहे तो भगवत का मूल जो पाठ है बंद रहे, इसलिए आज थोड़ा बहुत सुनो, काल सुनोगे भगवत का पहला स्कंद शुरू होगा जन्मादश श्लोक का व्याख्या। अब सबको तैयारी हो क्या आना है, हमको सुनना है, अमृत प्राप्ति करना है, ऐसा विचार लेके आना। श्रीमद भागवत जी का महात्मा सुनो, ये महिमा को हम छोटी सी एकदम कंप्यास एरिया लेकर विचार करेंगे, क्योंकि इसमें ही ये भागवत महात्मा में एक एक भागवत महिमा जो है एक महीना तक हम विचार करें वो शेष नहीं होगा है, स्वल्प परिधि में इन शॉर्ट कंपास हम चर्चा करेंगे। आज ये शुरुआत होने जा रहा है ठाकुर जी का कृपा से। तो श्रीमद भागवत जी महात्मा महिमा का जो पहला स्कंद, ये महिमा दो किस्म का है, एक है पद्म पुराण का महिमा, एक है स्कंद पुराण का महिमा। पिछले जो अधिवेशन हुआ था भगवत कथा का, ये कथा इसमें दोनों ही जो दोहीन बोन महिमा शॉर्ट छोटा छोटी से एकदम हाँ दोनों महिमा थोड़ा थोड़ा हमने बताया था। सच्चिदानंद रूपायो विश्वत्पत्वादि हेतवे तपत्रयो विनाशायो श्री कृष्णायो भयम् नमः। सच्चिदानंद रूपायो विश्वत्पत्वादि हेतवे तपत्रयो विनाशायो श्रीकृष्णाय वयम् नमः। भगवान का स्वरूप लखन सच्चिद आनंद घन रूप, सच्चिदानंद रूपायो, इसका बारे में व्याख्या होगा। सत जो नित्य रहना है, जो वस्तु नित्य रहेगा सत, अस्ति ये जो व्याकरण में अस्ति है रहना, ये जो अस्ति है रहने वाला जो बात है, ये उसी जगह उसका व्यवहार होता है जो वस्तु परमानेंटली अनंत काल से रहेगा। तो दुनिया में तो कोई वस्तु रहेगा नहीं अनंत काल, लेकिन ये वस्तु रहेगा इन्फिनिटी पीरियड अनंत काल से, जो वस्तु है, जो वस्तु कभी भी मिटेगा नहीं रहेगा, उसका नाम सत। एग्जिस्टेंस जिसका पक्का है, अस्तित्व जिसका पक्का है, कभी भी किसी भी हालत से मिट नहीं सकता, इसका नाम सत। चित, चित मतलब अप्राकृत चित, जो चिद आत्मा का बारे में बताया जीवात्मा वो चिद अंश है। वेदांतों में बताया कि ये जो जीवात्मा है वो आत्मा का आत्मा को दर्शन करे तो कैसा, भागवत में लिखा हुआ है जब शिशुपाल का वध कर दिया भगवान
शिशुपाल का उद्धार कर दिया। तो भरे सभा में, वो जो सभा है बड़ा सभा, इधर आएगा दसम स्कंद में विचार आएगा, ये सारे ऋषि मुनि हजारों हजारों ऋषि मुनि सब और भगवान श्री कृष्ण का चक्र घूमते 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 कहाँ गया, भले वहां शिशुपाल का इधर गया और गले को काटकर सुदर्शन चक्र फिर भगवान के हाथ में आ गया। और जब शिशुपाल का वध हो गया, शिशुपाल का वध का समय कोई एक बूंद भी खून जमीन पर नहीं गिरा, क्योंकि वहां राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा था, राष्ट्रीय यज्ञ। आज यज्ञ क्षेत्र में महाराज कोई एक बूंद भी खून गिरे, खून खराबा हो जाए, पूरा यज्ञ खराब, पूरा यज्ञ खराब हो गया, कोई यज्ञ होगा नहीं। इसीलिए यज्ञ क्षेत्रों में किसी का कोई कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी ठाकुर जी का कृपा। तो शिशुपाल का वध हो गया, लेकिन एक बूंद भी खून जमीन पर नहीं गिरा, लेकिन आत्मा जो है शिशुपाल का शरीर से निकलकर धीरे धीरे, जैसे दीप का जैसे रोशनी है, दीप जलती हुई भगवान का चरण कमल का पास आई। और क्योंकि जीवात्मा स्त्रीलिंग है, जीव आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग, जब तक शिशुपाल का अंदर था पुंगलिंगो व्यवहार किया, और जब आत्मा निकल कर गया अभी हमको स्त्रीलिंगो व्यवहार कर, बेकार इनका नियम है जीवात्मा, क्योंकि कोई जीवात्मा का ना तो पुरुष है ना स्त्री है, जिस शरीर में घुस जाती उसी का विचार, वो पुरुष बन गया स्त्री बन गया। असली जीवात्मा का कोई लिंग है नहीं ऐसा, लेकिन विचार है वो ततस्थ शक्ति ततस्थ शक्ति है, शक्ति मतलब तो स्त्रीलिंग युवा। ये जीवात्मा जो है यह धीरे धीरे आई और भगवान का चरण कमल का साथ मिट गया, चरण कमल समा गया, सब कोई को देखते हुए, सब देख रहा है, शिशुकाल का आत्मा आ रहा है इधर, आते आते भगवान का चरण कमल में आया। महाराज दीप जैसे बुझ जाता है भगवान के चरण में, चित अप्राकृत, जो प्राकृत नहीं है। तो वेदांतों में सुंदर व्याख्या किया एक शब्दों के द्वारा कि, लेकिन ये जो उदाहरण है इट इज नॉट एग्जैक्ट एग्जाम्पल, वेदांतों में जो उदाहरण दिया है ये कि दिग्दर्शन है, वो ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसा, क्योंकि चिन्मय वस्तु को कोई मेटेरियल जगत का कोई उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करे ये संभव नहीं है। तो कैसा बोला वेदांतों में, वेदांतों में बोला गुणात गुणात अलग बत, गुणात गुणात अलग बत, गुण का विचार करो तो जैसा लगे लाइट का मापी का, लाइट जैसा है, रोशनी जैसा है, दीप का उदाहरण दिया। अब वैज्ञानिक लोग साइंटिस्ट लोग होते हैं फोटोन का ना, लाइट पार्टिकल्स जो है रे, लाइट रे फ्रॉम सन गॉड, सूर्य देव से जो रोशनी आ रही है, रोशनी का एक एक फोटोन का ना पार्टिकल, वो जीवात्मा का ऐसा हिसाब लगा, कोई हिसाब तो नहीं हो सकता है कोई उदाहरण के द्वारा, क्योंकि वो प्राकृत जिस चीज है, नायम आत्मा प्रवोचने न लभ्य न मिधया न बहु न सुरते न, बहुत प्रवचन सुन लो, बहुत प्रवचन कर लो, लेकिन आत्मवस्तु कभी समझ में नहीं आने वाला। ये आत्मवस्तु का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता, बोले एकमात्र सदगुरु, सदगुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा, आचार्यों का साथ, आचार्यों का चरण में जाओ, आचार्यों का सेवा करो, जो आचार्य है वास्तव। शास्त्रों में बहुत सारे विचार है, आचार्यवान वेदा, इसका मतलब क्या है, जो आचार्यवान, जिसका जिंदगी में वास्तव आचार्य मिला है और जो अपने को गुरुचरण में दिया है, एक शब्द में बताया आचार्यवान वेदा, आचार्यवान वेदा, जो आचार्यवान है, जो आचार्य जो प्राप्ति हुआ है जिसका जिंदगी में, कि क्योंकि ये तो ठाकुर जी का कृपा में मिलता है, आचार्य जो बाजार में जाने से तो मिलेगा नहीं,
जो हमारे पास पैसा है आचार्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ये भी ठाकुर जी का कृपा। तो आचार्य बान वेद, जो अपराकृत जगत का जो मसला है तत्व, उसी का सन में प्रकट हो सकता है जो जिसका जिंदगी में आचार्य मिला है, जो आचार्यों का प्रवचन सुना है। काल एक बात को उठाया था, लेकिन हम बोलना चाहा ये सत्यकाम का बात, जवाल सत्यकाम, लेकिन कुछ बातों बातों में उल्टा हो गया, उपमान्य आ गया, क्षमा करना। बोलना चाहा हम जो डिस्क्रिप्शन दिया वो है, हम तो बोलते ही रहते हैं, अब काल क्या हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, मन डिस्टर्ब था, काल कथा में भी मजा नहीं हुआ, इसी का चिंता में था, नहीं तो होता नहीं। तो जो भी है कोई बात नहीं, घटना तो ठीक ही है। ये जो आपका आज ये घटना को सुन लो, सुनने के बाद भागवत श्रवण का जो प्रस्तुति है, प्रिपरेशन, भागवत श्रवण के लिए जो प्रिपरेशन है ये आपको लेनी चाहिए। कैसे लोग भले, ये जो जवाल सत्यकाम है, जवाल सत्यकाम छोटी सी बच्चा, ये सत्यकाम क्या किया, ये जवाल सत्यकाम छोटा बच्चा, ये गौतमी ऋषि, गौतमी ऋषि का नाम सुने हो, गौतमी गंगा भी है, गौतमी ऋषि, गौतमी ऋषि के पास गए, अड़ोस पड़ोस में रहते थे इस जंगल में, वो ऋषि रहते थे इधर, और जाके दंडवत किया, और वो बच्चा बहुत दिन से देख रहे कि कितना सारे बच्चा वो ऋषि गौतमी ऋषि का पास जाकर वेद का अध्ययन करे, कितना सुंदर, ऋषि पेड़ का नीचे ऐसे बैठ जाते हैं, पीपल का पेड़ के नीचे, कितना सुंदर, बच्चा लोग सब लंगोटी लगा के बैठ जाते, पूरा बच्चा सब, और सब वेद का उच्चारण करे, और ऋषि व्याख्या कर रहे हैं, बच्चा के हृदय में है, ये बच्चा जो है जवाल, जो है जवाल सत्यकाम, जो है सत्यकाम का मन में बड़ा दुख आया, तो हमारा ऐसा शिक्षा का व्यवस्था हो नहीं सकता। और जाके ऋषि जी का चरण में दंडवत किया, ऋषि जी कृपा करके हमको भी आप शिक्षा दो, हम भी सीखना चाहिए सब, ये जो आप सिखा रहे हो वेद का पाठ, कितना सुंदर दिव्य ज्ञान, हमारा जिंदगी में हो जाए आपका कृपा। ऋषि जी तुरंत पूछा, तेरा परिचय क्या है बेटा, तेरा परिचय क्या है बेटा, ये पहले बता, तेरा पिताजी का नाम क्या है। बच्चा ने घबरा गया, बच्चा बोला हम तो पिताजी का नाम सुना नहीं, जन्म से बचपन से हम माता जी को देखे, तो जा पूछ क्या, माता जी का पास जाके पूछ क्या, पिताजी का नाम क्या है, तेरा क्या गोत्र है, क्योंकि वेद पाठी जो है वेद पाठ में ब्राह्मण का ही अधिकार है, शूद्र का नहीं अधिकार, ब्राह्मण भाव रहे तो वेद पाठ का अधिक, इसीलिए तो भागवत उदय हुआ, क्यों, वेद पाठ में तुम्हारा अधिकार नहीं है, वेदांत तो पढ़ने जाओ तो पागल हो जाओगे, संभव नहीं, भागवत जी का उदय इसीलिए हुआ, कृपा करने के लिए इतना सुविधा ये मिल गया। कलौ किरण भाषितम, एक कलिकाल में कृपा करने के लिए उदित हुआ, व्यास जी का आविर्भाव, उसके बाद भागवत जी का आविर्भाव, इसे सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, आनंद प्रसंग है सब। ऋषि के पास ऐसा बताया कि हमारा पिताजी तो जानते ना, हम तो देखे नहीं पिताजी को, ठीक है जा पूछ क्या, मैया का पास गए, गया और जाके पूछा, मैया माताजी हमारा पिताजी का नाम बताओ, ऋषि जी बताया कि तो पिता का नाम पूछ के आ, उसके बाद वेद पाठ कराएंगे, कुछ विचार करेंगे। तो मैया ने आंसू भर के बोला, बेटा तेरा पिताजी का तो कोई हम बोल नहीं सकता, हम बहुत सेवा करती थी पहले, बहुत सारे उत्तरी को, कैसे भी ठाकुर जी का ऐसा ही लीला था, तेरा पैदा तेरा जन्म हुआ, तो रोते रोते ऐसा बोले, हम ही तेरा पिता, हम ही तेरा माता। तो दूसरा दिन क्या हुआ, वो बालक जो बच्चा है, वो बच्चा भरे सभा में, भरे सभा में इतना सारे बच्चा लोग हैं, वो भरे सभा में ऋषि का सामने, ऋषि जी का सामने गया और जाके बोला, ऋषि जी हम तो अपना पिताजी का खबर नहीं जानते, हम तो, माताजी बोला पिताजी का कोई ठिकाना नहीं, हम बोल नहीं सकता, हमारा पिताजी कौन है, हम माताजी हमारा है,
ऐसा बोलने का साथ है सारे बच्चा लोग हंसी उड़ाया हा 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 करके। ऋषि बोले चुप हो जाओ हंसो मत। सब बच्चा लोग हंसे, पिताजी जानता नहीं पिताजी कौन है। बोला हमारा पिताजी कौन है हम जानते नहीं हम। माताजी बोला तू ऐसा ही पैदा हुआ। तो सब बच्चा खिल्ली उड़ाया हंसी। तो ऋषि बोले ए सब चुप हो जाओ बिल्कुल मत हंसो। बच्चा को गोदी में लिया सर पर हाथ दे के बोला हमको तो ये लगता है कि तू ही ब्राह्मण है, तू ही ब्राह्मण है, नहीं तो इतना बड़ा सच्चा बात तू भरे सभा में आकर सबको के सामने सच्चा प्रवचन दिया कि मेरा पिताजी का खबर नहीं है हम नहीं जानता। यू आर एक्चुअली तुम ही ब्राह्मण हो आ तू तेरे को हम दे देंगे जा समित लेके आ हम तेरे को वेद तेरे को वेद का समित वेद का सामने ले जाएगा। आचार्य बोला गौतमी ऋषि लेके गया सत्य काम को लेके गया गया ना वेदों का सामने दीक्षा हो गया। इस बारे में हम जब 11 स्कंद का चर्चा चले ठाकुर जी का कृपा से इस दफे इस बार जो चर्चा है इसमें मेरा फोकस है भगवान श्री कृष्ण का जो अक्रूर संवाद आदि जो जो सब मैंने उद्धव संवाद जो चर्चा होने का टाइम नहीं मिलता। आगे का चर्चा जो है बहुत सारे भगवत कथा में हुआ हम तो करेंगे लेकिन इस दफे फोकस का 11 स्कंदों और 10वां स्कंदों का जो सेकंड पार्ट है या तो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पोर्शन जो है ये मेरा इच्छा ठाकुर जी का बाकी इच्छा ये करने का। ये सब बारे में हम बताएंगे क्यों गौतम ऋषि डायरेक्टली निर्णय किया तू ही ब्राह्मण है बिना ब्राह्मण इतना सच्चा प्रवचन दे नहीं सकता तू ही ब्राह्मण है तेरे को हम वेद का सामने ले जाए चल। हा महाराज होने का बाद गुरु सेवा करना चाहिए दिक्कत तो हो गया। और गुरु सेवा कैसा गुरु सेवा बोले 400 गौ माता वो भी दुबला पतली दुबली पतली लेके और सब 400 गौ माता को लेकर जंगल में चला गया और सत्य काम बोल के गया जो जब चार हे गुरु जी जब 400 गौ माता से हजारों गौ माता जब तक ना हो जाए तब तक हम लौटेंगे नहीं अब तब तक हम सेवा करते रहेंगे। तो इसका मतलब काल बताया था खाली नाम में थोड़ा ये तो थोड़ा उदास हो गया था काल सिचुएशन देख के कथा में मन नहीं लग रहा था। जो भी है ठाकुर जी कराते नहीं कुछ ठीक ही होता। तो ये जो सत्यकाम है सत्यकाम जी जंगल में चले गए गुरु जी को दंडवत करके। जंगल में जाके गुरु जी का इतना सेवा किया इतना सेवा किया इतना चिंतन किया कि गुरु जी का कृपा उसका हुआ। जब हजार गोमाता हो गया उसका व्याख्या काल हम किया था 400 गोमाता इसका सिंटम जो है इसका माने क्या है इसका माने है इसका माने क्या है इसका माने चार वेद काल बताया था चार वेद। दुर्गा मैया का जो 10 हाथ ये 10 हाथ का मतलब अनंत हाथ बहुत हाथ कि जगत में जितना सारे हाथ है सब मैया का जितना सारे मैया बन के बैठी हुई है ये मैया नहीं है वास्तव मैया तो वो है दुर्गा मैया मैया है प्रकृति रूपी वो तो एक शरीर दे दिया ये हमारा मां बन के बैठे बैठी है वो उसका मन बन असली मैया वो देवी मैया प्रकृति देवी भगवान का बहिरंगा शक्ति जो भी है। अब जो 400 गौ माता जो वेदों का सेवा किया चार वेद 400 गौ माता मतलब चार वेद चार परिक्रमा लगाते हैं हम सब चार इसका पीछे राज है कि चार वेद चार परिक्रमा सब चार हैं। और करते करते जब हजारों गौ माता बन चुके तब वहां वहां में एक तो सांड सांड जानते हो ना बिजार जानते हो वहां वहां उसका अंदर से जवाब आया ए तेरा तो हजारों शंका हो गया चल गुरुजी का घर चल। सांड का अंदर से कौन जवाब दिया सांड जवाब दिया वो सांडो सांड जो है उसका अंदर में वायु देवता घुसा हुआ था वायु देवता वो सांड का अंदर घुसा हुआ और जवाब दिया सत्यकाम तेरा गुरु की गुरु सेवा के द्वारा बड़ा संतुष्ट हो गया हम
तेरा गुरु सेवा बहुत और हजारों गो माता बन चुका, मतलब तेरा गण ज्ञान ज्ञान का जो परिधि है, इसका जो फीलिंग्स है वो इन्फिनिटी का ऊर्जा आ रहा है, तेरा ज्ञान का फीलिंग्स अनुभव शक्ति। अब आ तेरे को हम वेद का जो पहला पार्ट है वो हम उसका ज्ञान हम देते, वेद का जो ब्रह्म ज्ञान का जो पहला पाद है, ब्रह्म ज्ञान का जो पहला पाद है उसका पहला पाद का उपदेश वायु देवता ने दे दिया। और वायु देवता ने बोला कि अग्नि देवता तेरे को दूसरा जो पार्ट है हैं उसका ज्ञान, ब्रह्म का जो दूसरा पाद है उसका ज्ञान अग्नि देवता दे दे। तो अग्नि देवता ने दे दिया। रात्रि हो गया, गौ माता को लेके एक जंगल में बैठ गया आग जलाकर, फिर अग्नि देवता ने उसको दूसरा पाठ दे दिया। और अग्नि देवता बोल के गए कि और जो तीसरा पाद है, ब्रह्म का चार पाद है, तीसरा पाद है वो तो हंस रूप में ये देंगे प्राण देवता तो चौथा पार्ट जो है वो दिया है, वो देखे जाए, वो दे दिया। और जलचर प्राणी का रूप पकड़कर एक प्राणी आए और आने के बाद वो चौथा जो पार्ट है वो ज्ञान दिया। तो चारों जो पाद है ब्रह्म का, जो चार पाद है, चार पाद का नॉलेज हो गया, कंप्लीट नॉलेज होने का बाद वो गुरुजी का आश्रम में चलना शुरू कर दे। गुरुजी का आश्रम में चल, गुरुजी का आश्रम में पहुंचा तो गुरुजी बहुत दिन से चिंता कर रहे थे जो हमारा ये कहाँ गया। तो आ गया तो गुरुजी का चरण में दंडवत किया। गुरुजी देखने का साथ साथ गुरुजी को पता चला कि ये जो सत्यकाम है, सत्यकाम का ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया उसका। ये जो चेहरा है, संत महात्मा का भी ऐसा चेहरा है, एक एक साधु का पर देखने का पात साथ साथ पता चलता है इसका बात क्या है, जो बहुत एक्सपीरियंस है पता चलता है। तो गौतम ऋषि पता चल गया, गौतम ऋषि को इसका पास ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो बोला तेरा तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, गुरु जी गुरु सेवा के द्वारा हुआ। तो सत्यकाम बोले कि गुरु जी वेद का जो हमारा चार पाद का ज्ञान ज्ञान हुआ तो आपसे दोबारा हम सुनेंगे। पर क्यों, तेरा तो हो गया, गुरु निष्ठा किसको बोलते हैं। बोले गुरु जी हमारा तो वेद का जो ब्रह्म का जो ब्रह्म विद्या का जो चार पाद है, चार पाद का तो थोड़ा ज्ञान हुआ लेकिन विज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान तो हुआ लेकिन विज्ञान नहीं हुआ। तो विज्ञान विज्ञान में परिवर्तन करने के, ये ज्ञान जो है वो ज्ञान विज्ञान में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपसे दोबारा सुनना है, आपसे हम दोबारा सुनेंगे। चाहे हमको वायु देवता दे दिया, अग्नि देवता दे दिया, प्राण देवता दे दिया, सब दे दिया हमको, हैं जल देवता दे दिया, कुछ भी सब दे दिया, लेकिन फिर भी आपसे हम सुनेंगे, क्योंकि हमको ये जानकारी है कि आचार्यों से अगर ये प्रवचन सुने इट इज मोर इफेक्टिव। आचार्यों का लाइन में जो है वो भी आचार्य है, जैसे कि तुम्हारा आचार्य एक है, उसका सिद्धांत तो उसका चरण में 100% विश्वास और भक्ति रखने वाला जो है वो आपका आचार्य ही हुआ, ये कोई दूसरा नहीं हुआ। आपका जो आचार्य है वो आचार्य चरण में पूरा विश्वास रखने वाला एक ही विचार, तो आचार्य चरण का परंपरा में वो लाइन में ही है। तो जो भी है आचार्यों का पास फिर से श्रवण किया तो उस विज्ञान में बदल गया। जो भी है ये सब, ये उपमन्य का कहानी और है, काल हम बताएंगे उपमन्य का। आज जो है सत्यकाम का कहानी बताए, तो काल हम बताएंगे उपमन्यु का, कितना सुंदर गुरु सेवा है, क्या है गुरु सेवा। वैष्णव सेवा में देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन होना नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। ये होगा तो हम गुरु सेवा करेंगे, ये होगा तो हम करेंगे ये सेवा, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन रहे तो आपका जिंदगी में वो दिव्य वस्तु
प्राप्ति करना संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय हो सचित आनंद हो, चित आनंद हो, सत मतलब नित्य स्थिति करने वाला रहने वाला है, और चित मतलब हो चिन्मय है, अप्राकृत है, मेटेरियल नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट मोहल्लों में हल्ला मच गया, साइंटिस्ट लोगों में बहुत रिसर्च चल रहा है, आपको पता नहीं, आप देखते नहीं हो, विचार नहीं करते। हम ये सब करते कर, क्योंकि हमारा काम ही था, हमारा काम पहले ही, हमारा ये सब इंट्यूशन पहले से ही था ना, साइंटिस्ट लोगों का साथ चलते, वो कैसे क्या करे कैसे करे ये सब। ये जो भूत है, भूत प्रेत, भूत प्रेत का बारे में ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन जो है इस देश में कितना सारे रिसर्च हो रहा है भूत और प्रेत के बारे में, सिर्फ भूत प्रेत, एक एक चीज का बारे में रिसर्च होता है विदेश में। और साइंटिस्ट लोगों में ये बोल गया, मैंने महाराज आदमी मर जाए तो आत्मा क्या बोल के कुछ है, बेकार, मर मिट जाए तो हो गया खत्म, लापड़ा खत्म हो गया, मर गया तो हो गया, तो आत्मा काहे को, आत्मा कहां से आया। तो साइंटिस्ट लोग अपना विचार को बहुत विचार किया, अब मानने के लिए तैयार हो गया जो आत्मा बोल के कुछ चीज है। किसी जीवात्मा मरने का टाइम में उसको शीशे का कमरा में घुसा दिया, बिल्कुल शीशे, और देखा जो आत्मा निकल गया, जो मर गया, तो जो शीशा जो है फट फट गया, फट के निकल गया। साइंटिस्ट लोग बोले ये तो अजब की बात है, आत्मा निकल गया शीशे के कमरे में, घुस दिया, घुसा दिया मुर्दा को, ये जो मरणशील आदमी को, लेकिन आत्मा जब निकल गया शीशे का जो चीज, शीशा फट कर एकदम निकल गया। तो अंतिम में साइंटिस्ट लोग बोला ये हर हालत में संभव है, क्योंकि एक वस्तु विचार करो तो उसका उसका जो ऑपोजिट वस्तु है वो भी है ना, जैसे दिन है तो रात जरूर है, अच्छा है तो बुरा जरूर है, जो भी किस चीज ढूंढो उसका जो एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम आता है ना, ये शब्द है उसका विपरीत अर्थ है, वह है जगत में है। तो साइंटिस्ट लोग अंतिम में ये सिद्धांत में आया, जो प्राकृत वस्तु है, मेटेरियल वस्तु है, मेटेरियल चीज, साइंटिस्ट लोग बोले जब मैटर है तो जरूर एंटी मैटर जरूर है, एंटी मैटर, फॉलो माय पॉइंट, साइंटिस्ट लोग ये शब्द बताया, जब मैटर इज देयर देन एंटी मैटर मस्ट बी देयर, जब मैटर है वस्तु है, वस्तु का विपरीत जो है, वस्तु का विपरीत क्या है, चिन्मय है, ये मैटर है, मैटर का ऑपोजिट है चिन्मय है। साइंटिस्ट लोग बोला देखो जब वस्तु है मैटर का जो विपरीत अर्थ जो है एंटी मैटर मस्ट बी देयर, बट वी कैन नॉट रियलाइज इट परफेक्टली, मैटर जो है तो एंटी मैटर जरूर है लेकिन हमारा समझ में नहीं आ रहा वो कैसा चीज है। और साइंटिस्ट आइंस्टाइन तो डायरेक्ट बता दिया, आई वॉन्ट टू नो गॉड्स थॉट, ईश्वर का भावनाएं सब हम जानना चाहते, एंड द रेस्ट ऑल आर इन डिटेल्स। भाभा एटॉमिक में जाओ, साइंस इंस्टीट्यूट में जाओ, सॉल्ट लेक में, वो केमिस्ट्री डिपार न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाओ, आइंस्टाइन का फोटो उसमें लिखा हुआ, उसमें लिखा आई वॉन्ट टू नो गॉड्स थॉट्स, ईश्वर का क्या भावना है हम जानना चाहते हैं, हम जान नहीं पाए, बहुत सारे बातें हैं। तो ये जो चिन्मय है, चित चित भावना को जबरदस्त आपका दिल में भावना को बैठना बैठाने के लिए ये सब बात हम बोला। तो सत है नित्य स्थितिवान चीज जो है, चित जो है चिन्मय है, मैटर नहीं है, एंटी मैटर, जो दुनिया का चीज देख रहे हो ना सारे, ये सारे जो दुनिया में देख रहे हो ये अप्रागित जगत का विकृत प्रतिफलन है। इसका हम दशम स्कंद का जब भगवान का चिन्मय लीला व्याख्या करे तो अब हम उठाएंगे बात को। ये जो मेटेरियल जगत है इसमें सारे जो घूम रहे हैं सारे मेटेरियल जगत है, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ये जड़ जगत है सब देख रहे हो, घूम रहे हो, मजा ले रहे हो, ये मजा
वो जो देख रहे हो ये प्रमाण दे रहा है कि तुम्हारा अप्राकृत जगत में एक दुनिया है जिसका बारे में तुम्हारा कोई खबर नहीं है। अप्राकृत जगत में ऐसा ही आनंद है, इसका खबर तुम्हारा पास नहीं है। तुम जो आनंद लेके बैठे हुए हो, ये आनंद आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, ये नाशवान है, ये नाशवान है। इसलिए भगवान गीता में साफा बता दिया, देखो जे ही संस्पर्श सजा भोगा। गीता में भगवान बताया, क्या बताया, जे ही संस्पर्श सजा भोगा दुख जनो एवते, जे ही संस्पर्श सजा भोगा दुख जनो एवते आद्यंत बंतो कंतियो न तेसु रमते बुधा। दोज हु आर रियली इंटेलिजेंट दे नेवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। अंग्रेजी में बताए वो परफेक्ट, जो लोग वास्तव बुद्धिमान है वो कभी भी दुनियादारी का चीज को भोगने के लिए दौड़ते नहीं। जो जो वास्तव बुद्धिमान है वो कभी कभी दुनियादारी का चीज को भोगने के लिए दौड़ेगा नहीं। वो जानते हैं महाराज आज मजा होगा लेकिन काज रोना पड़ेगा। इसे भगवान गीता में साफा बता दिया, क्या बोले, जे ही संस्पर्श सजा भोगा दुख जने एवते आद्यंत बंतु कंतियो नौते सुरमते पिता। जो तुम भोग में लगे हुए हो, जड़ जगत का आदमी मेटेरियल मेटेरियल जो एंजॉयमेंट है, धन दौलत को, धन दौलत को इकट्ठा करना, इसी को ही सर्वोच्च मान के बैठे हुए हैं। इसी ये जो आनंद है इसी को ही सर्वोच्च सबसे बड़ा ये चिंतन करके बैठे हुए हैं। और इस चिंतन को चेंज करें कैसे, हम दुनिया का जितना सारे आदमी हैं, हजारों लाखों करोड़ों सबका चिंतन है, खाओ पियो जियो एंजॉय योरसेल्फ, यही फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर लाइफ, खाओ पियो जियो एंजॉय योरसेल्फ, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा दिन तक रहेगा ना, यू आर फुलिश, तुम्हारा ये फॉर्मूला है ज्यादा दिन तक जाएगा नहीं। फॉर्मूला का चेंज करो, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, जाओ विचार को सुनो, वास्तव वस्तु है जिसको तुम सत्य सच्चा समझकर बैठे हुए हो, जिस चीजों को आप सच्चा समझ के बैठे हुए हो ये सच्चा नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद एक तो छोटी सी किताब, ये तो छोटा पतला बुकलेट, ट्रूथ रियल एंड अपरेंट, ट्रूथ रियल एंड अपरेंट, छोटी सी किताब, इसके बारे में काज चर्चा करेंगे हम। सच्चा दो किस्म का होता है, एक वास्तव सत्य एक अपरेंट सत्य। तुम जो सत्य सच्चाई का तुम बोलते ये सच्चाई है महाराज, हां सच्चाई है, लेकिन अपरेंट ट्रूथ, तुम जो अपेक्षिक सत्यों में घिरे हुए हो ये सब अपेक्षिक सत्य है, अपेक्षिक सत्य अपरेंट ट्रूथ, लेकिन वास्तव सत्य नहीं है। अपरेंट ट्रूथ का हम बहुत सारे शिक्षित समाज में व्याख्या किए, अपरेंट ट्रूथ कैसा है, बजे राजधानी एक्सप्रेस जा रही और ये दूसरे ट्रैक इसमें दुरंत एक्सप्रेस, एक ट्रेन में तुम बैठी हुई हो, एक ट्रेन में हम बैठे, और ट्रेन एक ही स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर्स, 100 किलोमीटर, दो बगल वाले ये ट्रैक ये ट्रैक सीधा, अब लगेगा कि स्टैटिक कंडीशन, आप भी स्थिर हो आप चलते नहीं, आप और हम स्थिर, क्योंकि ये भी 100 किलोमीटर, ये भी एक खिड़की से दूसरे आदमी को देखोगे कि लगे ट्रेन चलती नहीं, ट्रेन स्थिर हो गया लगेगा ना। लेकिन दूसरा विंडो में नजर डालो तो देखोगे अरे इतना जोर चल रही है ट्रेन, लेकिन ये ट्रेन से ये ट्रेन को देखो कि इट सीम्स आई एम नॉट मूविंग, द ट्रेन इज नॉट मूविंग, स्टैटिक। तो साइंटिस्ट को बताया फॉर दैट रेफरेंस फ्रेम, वो रेफरेंस फ्रेम के लिए इट इज ट्रू, ये जो ट्रेन है वही जो ट्रेन है, दोनों ट्रेन को मिलाकर एक रेफरेंस फ्रेम, इसको स्केच आउट करो, फॉर दैट रेफरेंस फ्रेम इट इज ट्रू।
ये ट्रेन से वो ट्रेन को देखो स्टैटिक, लेकिन क्यों भले 100 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन का वेलोसिटी, ए ट्रेन का वेलोसिटी 100 किलोमीटर, सो 100 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर इज इक्वल टू जीरो, तो तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो गया। लेकिन जब अगर ऑपोजिट डिरेक्शन में जाए, अर्थात ए ट्रेन इस तरफ जा रही है दिल्ली, इस तरफ कलकत्ता का, था ये 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर कि कैसा लगे देखा ना कभी, लगेगा एकदम पल भर में ट्रेन गायब, पल भर में ये 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर, पल भर में ट्रेन गायब, इतना लंबा चौड़ा ट्रेन है पल भर में गायब हो गया। क्यों? वहां वेलोसिटी कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर प्लस 100 किलोमीटर पर आवर 200 किलोमीटर पर आवर, द वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू दैट ट्रेन इज नाउ 200 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन का सापेक्ष रिलेटिव में दूसरे ट्रेन का वेलोसिटी है 200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव। आप जो रिलेटिव रिलेटिव वर्ल्ड में हो, इसमें घर द्वार है, जितना संपत्ति है, पोती पोता है, जितना सारे है, सब रिलेटिव है, इससे छुटकारा मिलने का कोशिश करो, नहीं तो करोड़ों जन्म में ठाकुर जी मिलेगा कि सुकृति मिलेगा और वैभव बढ़े। ठाकुर जी अगर चाहिए तो सालगम लेके, भागवत जी लेके, तुलसी लेके, गंगा जी में गंगा जी का पानी लेके प्रतिज्ञा करके बोलो कि हमको ठाकुर जी चाहिए। बोलो किसका हिम्मत है? सालगम हाथ हाथ में लेके बोलो ठाकुर जी हमको चाहिए ठाकुर जी, नहीं तो हमारा कुष्ठ हो जाएगा हाथ में। सालगम पकड़ कर बोले, झूठा बोले तो कुष्ठ हो जाएगा। बहुत सारे सुंदर सुंदर कहानी हम बताएंगे। राजा कुलोशेखर साउथ इंडिया दक्षिण भारत के बड़ा राजा है, उसका कहानी सुनो के हैरान हो जाओ, पागल बन जाओ। राजा कुलोशेखर का कहानी हम बताएंगे, अभी हरिकथा चलते चलते उसका बारे में आप हैरान हो जाएंगे, पागल हो जाओगे। इतना आनंद, इतना बड़ा राजा और इतना एट द सेम टाइम इतना बड़ा भक्त है। तो ये जो चर्चा चल रहा था इसमें थोड़ा बहुत कर सका हम आज। ये सच्चिदानंद रूपायो, इसमें ये व्याख्या जो है सत मतलब नित्य स्थितिशील नाशवान नहीं है, और चित मतलब चिन्मय है, मैटर और एंटी मैटर जो अब बताया साइंटिस्ट को बताया एंटी मैटर, वो लोग नाम दिया एंटी मैटर, और हमारा शास्त्र का नाम है चिन्मय। जो साइंटिस्ट को बताया एंटी मैटर दैट इज एक्चुअली चिन्मय, मैटर मीन मैटर, एंटी मैटर, एंटी मैटर मतलब चिन्मय है, वैज्ञानिक लोग बोला है, हमारा नजर में नहीं आ रहा है बट इट इज देयर 100% है। अभी हमारा गवेषणा का अंदर आया नहीं, क्योंकि गवेषणा का माने क्या है महाराज, गवेषणा रिसर्च, गवेषणा का माने क्या है? कोई अगर व्याकरण पढ़ा हुआ है तो गवेषणा जो है इस शब्दों को सेपरेट करो, सेपरेट करके संधि विच्छेद जो व्याकरण पढ़ा है वो जानता है। गौ युक्तो ऐषणा, गौ युक्तो ऐषणा मतलब गौ युक्तो ऐषणा इज इक्वल टू गवेषणा, गवेषणा शब्दों को स्प्लिट अप करो करके दो शब्द आएगा, एक तो गो प्लस ऐषणा मिलाकर एक शब्द हुआ गवेषणा। ये कहां से आया? गो मतलब अपना इंद्रिया, जितना सारे सेंस ऑर्गन है, चोक है, नाक है, कान है, हैं, यहां तक कि मन को भी हमारा शास्त्रकारों ने मन को भी एकादश इंद्रियों बताया, एकादश इंद्रिया, इट इज द 11th इंद्रिय सेंस ऑर्गन। जब भी मन को देखा नहीं जाता लेकिन वो है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जितना सारे इंद्रिय है उससे सबसे बड़ा पावरफुल है ये मन। ये मन को बस में लाओ, पहले भजन करोगे, करोगी भजन करोगी तो पहले ट्राई टू गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड। भजन का पहला पदक्षेप है, फर्स्ट स्टेप, भजन का पहला कदम है। क्या कदम है? बोले आप क्या करो, मन का ऊपर विजय लाभ करने का कोशिश करो। तुम्हारा जो मन है वो पागल मन है, पागल, ये मन को चेंज करो,
बस में लाओ तो पागलपंथी सारे खत्म हो जाएगा तुम्हारा। यू कैन डिस्कवर दैट यू आर ए मैड, बाद में तुम स्वयं बोलोगे हम पागल था। कितना सारे भक्त लोग बोला महाराज हम तो पहले पागल था, अब तो गुरु वैष्णव का संग करके अब समझ में आया मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये समझ में थोड़ा आया, अब मेरा पागलपंथी सारे समाप्त हो गया। तो चिद जो है चिन्मय सच्चिद, और आनंद जो है जहां सत है चित है वह आनंद जरूर रहेगा, वो बोलने का जरूरत नहीं। जहां सत है जहां चित है वो आनंद के बिना नहीं रह सकता। आनंद मतलब अगर आनंद किसको बोला जाता है, जो वेदांतों में हम कितना व्याख्या करें, यहां तो कोई वेदांती है कि नहीं, मास्टर जी थोड़ा पढ़ा होगा, होगा मास्टर जी बहुत पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा किया, अब वेदांती कोई है कि नहीं हमको पता नहीं, बताने से बेकार हो जाएगा। वेदांतों में बताया आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म किसको बोला जाता है, बोले आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म, अरे आनंद ब्रह्म है। तो इसी आनंद को तुम पागल हो इसको निराकार स्थापित करना चाहते हो, हाउ इज दैट पॉसिबल। जो आनंद को ब्रह्म, आनंदो आनंदो कोई आधार के बिना, आनंद कोई आधार के बिना प्रकाशित हो सकता, आनंद की आसमान में रह सकता है। आनंद जो चीज है ये जो एक आधार के ऊपर प्रतिफलित होता है, तुम्हारा शरीर है इसका ऊपर, इसका अंदर में जो आनंद हो जाए उसका एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारा अंदर में आएगा, हम बोलेगा वो आनंद कर रहा है देखो। तो आनंद जो है इसका जो एक्सप्रेशन है इसके लिए तू कोई माध्यम चाहिए। ये ठाकुर जी है जिसको वेदांतों में बताया आनंदम आनंदम ब्रह्म, यही ठाकुर जी है। ये आनंदम ब्रह्म आनंद माला माल हो जाओगे तुम, तुम्हें ठाकुर जी का कथा या प्रागी जगत का भागवत कथा सुनते सुनते पागल हो जाओ, इतना आनंद है इसमें। तो सच्चित आनंदमय रूपी सच्चित आनंद, तीनों सिंटम है, जो जहां सत है जहां चिद है तहां आनंद जरूर है, वो सच्चित आनंदमय है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। और एक बात है विश्वोत्पत्वादि हेतवे, हेतवे विश्वोत्पत्वादि हेतवे, विश्व का जो कारण है जस्मिन इदम जतोश्चेदम जेनेदम इदम स्वयं, है ना, कहां है, कहां है ये जो हम बताया, कहां है गजेंद्र मोक्षण, वेदांत का सूत्र है जस्मिन इदम जतोश्चेदम जेनेदम जत इदम स्वयं, जहां हुई थे विश्व हुआ है, जहां से विश्व आया है, जहां से विश्व स्थिति है, विश्व जहां पर समा जाएगा, वो सारे कारण जो इज द सिंगल कॉज इज देयर बिहाइंड दिस मिस्ट्री, पीछे एक कारण है, एक द सिंगल रीजन, उसी का नाम है अद्वैत ज्ञान तत्व। इसी का बारे में बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्वादि हेतवे तपत्रयो विनाशायो श्री कृष्णायो वयोम नमः वांछा कल्पतरुषि कृपा सिंधु वेवच पतितानं पावन वैष्णवेभ्यो नमः नमः। काल से जल्दी आया करो जैसे कथा को सही ढंग से पेश कर सके, और समय दिया करो, सारे फेंक दो, ये जिंदगी में अनोखा सुजोग आया है, सारे फेंक दो और समय लेके आओ, ज्यादा चर्चा हो जाए तो ज्यादा रहस्य को हम खुल सके ठाकुर जी का कृपा से, आप लोगों का कृपा भी होगा हमारा ऊपर, तब तो प्रवचन होगा। वांछा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु भविष्य पतितानं पावन भविष्य भ्यो नमो।